स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू करें सर। शुरू कीजिए निखिल भैया। कर दे। अच्छा ठीक। आप सबों को YouTube चैनल और Zoom ऐप में जुड़े माता पिता भाई बहन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे डायसिस युवा संघ की ओर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में एक बार सुसहाय कहते हैं और बड़ी खुशी हो रहा है कि आज हम लोग डायसिस युवा संघ के द्वारा ऑनलाइन बाइबल क्लास का आयोजन किया गया और आज अंतिम दिन है और आज अंतिम दिन में कुछ धमाका होने वाला है। मेरे दोस्तों दिल थाम के बैठिए और जो ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं वो जल्द से जल्द ऑनलाइन हो जाइए और जितने यूट्यूब में जुड़े हुए हैं आपसे निवेदन है कि आप भी जूम ऐप में जुड़ सकते हैं। मेरे दोस्तों आज हमारे बीच में रेवरेंड सलीमा कुजूर जी जुड़े हुए हैं और आज उनके द्वारा हमें शुभ संदेश सुनाया जाएगा। तो मेरे दोस्तों आज मैं पूरे डायसिस युवा संघ की ओर से आप तमाम यूट्यूब चैनल और जूम ऐप में जुड़े हुए भाई बहनों का माता पिताओं का छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये कार्यक्रम को आरंभ करता हूं। और इस समय मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से डायसिस युवा संघ के द्वारा डायसिस बाइबल क्लास का आयोजन किया गया है उसी तरह संडे स्कूल का भी आयोजन किया गया है जो हर एक संडे को 10 बजे से जूम ऐप और यूट्यूब चैनल में होता है और आप अधिक से अधिक से संख्या में वहां जुड़े और प्रभु की आशीषों से लबरेज होइए। मेरे दोस्तों आइए इस कार्यक्रम को आरंभ करें और हम लोग उपासना में हम लोग जाएंगे और उपासना के लिए मैं बहन अचला रागनी एक्का को मैं आमंत्रित करता हूं। मैं बता दूं ये रांची जिनरी क्षेत्रीय सचिव के रूप में डायसिस युवा संघ के लिए कार्यरत है, कार्य कर रही है और इनका इस कार्यक्रम में बहुमूल्य योगदान है। मेरे दोस्तों तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बहन अचला रागनी एक्का को। अनम्यूट कर ले। माफ कीजिएगा, आप सबों को यीशु सहाय। बाइबल क्लास में आप सबों का स्वागत है और हम लोग उपासना में जाएंगे वचन सुनने से पहले और साक्षीवाणी से गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 236। साक्षीवाणी गीत नंबर 236। गाके मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझू मैं उसका अर्थ और सार, मंगल सुसमाचार। गाके मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझू मैं उसका अर्थ और सार, मंगल सुसमाचार। सुंदर जीवन दायक धर्म विश्वास का शिक्षक, वचन अनुवचन अद्भुत मंगल सुसमाचार, वचन अनुवचन अद्भुत मंगल सुसमाचार। ईशु देता है सबों को मंगल सुसमाचार, लो अब तुम जो कि भूले हो मंगल सुसमाचार। सेंत में धाम को देता स्वर्ग की ओर खींच लेता, वचन अनुवचन अद्भुत
मंगल सुसमाचार वचनानुवचनाद्भुत मंगल सुसमाचार जाके सबों को दो संदेश मंगल सुसमाचार देता दिलों को चैन विशेष मंगल सुसमाचार ईशु मुक्ति दाता सबों को सुनाता वचन अनूप वचन अद्भुत मंगल सुसमाचार वचन अनूप वचन अद्भुत मंगल सुसमाचार। अभी के लिए हम एक वचन पढ़ना चाहते हैं। वचन हमें मिलता है पहला तीमुथियुस 4 उसका 6 से 16 पद तक। पहला तीमुथियुस 4 उसका 6 से 16 पद तक। आप सभी बाइबल निकाल लेंगे और हम वचन पढ़ेंगे। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसी के लिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रह, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखलाने में लौलीन रह, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था। निश्चिंत मत रह, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम तो जला को लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की तूने बड़ी आशीष दी है हमें प्रभु जी, कि हम तेरे वचनों को सुनने के लिए प्रभु जी ऑनलाइन माध्यम से बाइबल क्लास का आयोजन करने पाते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, तूने हमें इतनी आशीष दी है, हम इसके लिए तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपने सभी भाई बहनों को प्रभु जी, श्रोताओं को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, तो सबों को इतनी आशीष दी है कि वे तेरे वचन सुनने के लिए इसमें जुड़ने पाए हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम तो हर एक पापी मनुष्य है पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी तू हमारे पापों को क्षमा कर और हमें इतनी समझ बुद्धि शक्ति दे पिता परमेश्वर, कि हम उन पापों को दोबारा दोहराने ना पाएंगे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जितने भी भाई बहन इस बाइबल क्लास से जुड़ने पाए हैं उन सबों को तो बहुत आयत की आशीष प्रदान कर, हर एक के जीवन में उनके परिवारों में तू अपनी उपस्थिति बनाए रख पिता परमेश्वर, की हर एक का जीवन और उनका परिवार तेरे नाम में आगे बढ़ने पाएगा प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, और भी जो भाई बहन इसमें नहीं जुड़ने पाए हैं तो उनके मनों को चला प्रभु जी, कि वे तेरे वचनों को सुनने के लिए इसे जुड़ने पाएंगे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम आज के वक्ता को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, रेवरेंड सलीमा कुजूर जी को, तू उन्हें बहुत आयत की आशीष प्रदान कर कि उनके वचनों के द्वारा प्रभु जी हम तेरे वचनों को और अच्छे से सीखने पाएंगे और उसके अनुसार चलने के लिए अपने मन में दृढ़ निश्चय करने पाएंगे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, तू हर एक भाई बहनों को आशीष दे कि वे जब वे तेरा वचन सुनते हैं वो पूरी निष्ठा के साथ पूरे कंसंट्रेशन के साथ पिता परमेश्वर उन वचनों को सुनने पाएंगे और उन वचनों से और उन्हें आशीष मिलने पाएगी प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, और हम तुझसे कहाँ तक मांगे, हमारी छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से सुन और दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेडाइसिस सेवा संघ के नाम बहन अचला रागनी एक्का को बहुत बहुत धन्यवाद उनका आपका सुंदर उपासना के लिए, और
प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु में आप दिनों दिन बढ़ते जाएं और प्रभु के काम में इसी तरह लगे रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम दोस्तों कार्यक्रम में आगे हम लोग जाएंगे और इस समय समय होगा हमारे अतिथि जो हमारे मुख्य वक्ता हैं आज के, उनका स्वागत का। तो इस समय स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा राजगांवपुर पेरिस के भाई बहन के द्वारा हमारे वक्ता का स्वागत किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे वक्ता रेवरेंड सलीमा कुजूर जी को कि वे सामने आ जाएं, एक बार खड़े हो जाएं और हम सभी डायसिस सेवा संघ के नाम उनका स्वागत करना चाहते हैं गानों के माध्यम से। जैसा हमारा प्रॉपर्टी है, हम लोग सलीमा कुजूर जी का स्वागत करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा राजगांवपुर पेरिस के भाई बहनों का कि इस समय हमारे अतिथि का स्वागत करेंगे। विल्सन से राइवर आने तिरकी राजगांवपुर। हेलो, हैंड रेज करेंगे ताकि मैं अनम्यूट कर सकूं। आइवर आने तिरकी है सर, देखिए हाथ को उठाने का ऑप्शन है सर, हाथ उठाने बोलिए। ओह, हाथ उठाने का ऑप्शन है, उसमें हाथ उठा दीजिए आप लोग। हाथ उठाने का ऑप्शन है, उसमें हाथ उठा दीजिए। हाँ, आप लोगों का अनम्यूट हो गया है, शुरू करेंगे। Oh, my God.
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राजगामपुर पेरिस के भाई बहनों को सुंदर स्वागत गीत प्रस्तुत करने के लिए। इसी समय हमारे वक्ता का स्वागत हो चुका है, तो आइए हम लोग आगे के कार्यक्रम में हम लोग जाएंगे। और इस समय मैं निवेदन करूंगा कि हमारे डायसिस युवा संघ के कोषाध्यक्ष महोदय श्री सुमित तिर्की जी को आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं उन्हें संचालित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। तो इस समय श्री सुमित तिर्की जी आगे के कार्यक्रम को संचालित करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे डायसिस संडे स्कूल के प्रभारी महोदय श्री निखिल वाला जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ समय देने के लिए। मैं श्री सुमित तिर्की डायसिस युवा संघ कोषाध्यक्ष, पूरे डायसिस युवा संघ के नाम जितने भी हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं आप सबों को मैं तहे दिल से आप सबों को सर अनम्यूट कर लीजिए सर। हेलो हेलो आवाज आ रही है गुलशन भाई? आ रहा है। हाँ ठीक है, तो फिर से बिना देरी करते हुए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे। और आप सबों को पता है फिर भी मैं बता देना चाहूंगा, आज के हमारे वक्ता हैं रेवरेंड सलीमा कुजूर जी, जो कि हमारे कलिशा के अधीन कम्युनिटी हेल्थ मिनिस्ट्री चलाई जा रही है, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में वह सेवा देती है। और सलीमा कुजूर जी के लिए और परिचय देना मेरे लिए कम पड़ जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा जो बड़े से जो प्रोजेक्ट है हेल्थ मिनिस्ट्री की, उसके द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में सेवा दे रही है। इसके लिए हम पूरे डायसिस युवा संघ के नाम उनको हम धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगे भी अपने काम को जारी रखेंगे। और उनका आज विषय है संसार से समझौता नहीं, दानियल 1:1-9। संसार से समझौता नहीं, दानियल की पुस्तक पहला अध्याय उसका 1-9 पद तक। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे आज के वक्ता रेवरेंड सलीमा कुजूर मैडम जी आएंगे और हम सबों को वचन में आशीष प्रदान करेंगे। अभी आपका समय है मैडम रेवरेंड सलीमा कुजूर जी। आप सबों को मेरी ओर से सुसहाय, और मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा सुंदर अवसर और मौका दिए कि डायसिस युवा बाइबल क्लास में ऑनलाइन के दरमियान हम लोग सब कोई एकजुट होते हैं और प्रभु के वचन की संगति में हम लोग बढ़ते जाते हैं। प्रभु को इसके लिए महिमा मिले। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। जो वचन हमें दिया गया है संसार से समझौता नहीं, दानियल 1:1-9 पद तक, इसे हम लोग दो दो पद करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला और दूसरा पद, जहां ऐसा लिखा हुआ है वचन में, यहूदा के राजा यहोयकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को सिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। और कोई आगे पढ़ेंगे दो दो पद करके? तीसरा पद और चौथा पद, हाँ
तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पनज को आज्ञा दी कि इसराइली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अर्जिया नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उसके दूसरे नाम रखे अर्थात दानियल का नाम, उसे बेलशस्तर, हनन्याह का सद्रक, मिशाएल का मेशक और अर्जिया का नाम अबेदनगो था। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न हुए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। आमीन। यहाँ तक आमीन। वचन पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र और पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, धन्यवाद और महिमा और स्तुति और बड़ा याफी को देते हैं प्रभु कि हम लोग डायसिस युवा संघ बाइबल ऑनलाइन क्लास में एकत्रित होते हैं। ऐसा अवसर देने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम लोग आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं। तू अपने वचन से हम सबों से बोलिए और बातचीत करिए पिता। हम लोग निर्बल और दुर्बल हैं, ऐसा बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु, ऐसा आत्मा की अगुवाई दीजिए कि आपके वचन हमारे जीवन के लिए अगुवाई और पद दर्शक ठहरने पाए। तू ही हमारी सहायता और मदद कर। सारी आदर और महिमा और ये समय अपने जीवन को आपके हाथों में देते हुए यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के नाम में मांगते हैं। दया करके सुनिए और शक के राज्य में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। पुनः और एक बार हम लोग आप सबों को भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोग सब कोई प्रभु के वचन को पकड़ के उसके नजदीक हम लोग बैठे हैं वेदी का सिंहासन बनाते हुए। मसीह में मेरे प्रियो, आज जो हम लोग को वचन दिया गया है दानियल 1:1-9 पर, जहां खंड विषय लिखा हुआ है संसार से समझौता नहीं। मुझे एक बात की याद आई कि जब हम छोटे थे और उसी समय में मेरी बड़ी दीदी के साथ हम लोग झगड़ने लगे दोनों जन एक चॉकलेट के लिए। और जब दोनों जन हम लोग झगड़ने लगे और हम बोले कि ये चॉकलेट हम खाएंगे, तब मेरी बड़ी दीदी बोली नहीं ये चॉकलेट हम खाएंगे, और दोनों में हम लोग एकदम झगड़ने लगे। तब मेरी बड़ी दीदी बोली कि अच्छा सलीमा, हम तुमको 2 रुपए देते हैं, तुम हमको ये चॉकलेट दे दो हम खाएंगे। तब हम क्या करते हैं, ठीक है मान लेते हैं, हम उनसे 2 रुपए ले लिए और उनको चॉकलेट दे दिए और इस रूप में झगड़ा निपट गया, सलाह हो गई, समाधान हो गया, हम लोग में दोनों जन में मेल मिलाप हो गया। लेकिन जब पता चला चॉकलेट का दाम 5 रुपए था और जो हमें मिला वो 2 रुपए था। मसीह में मेरे प्रियो, आज जो हमें वचन मिला है समझौता, इसको हम बहुत सोचने लगे कि समझौता हम लोग किस रूप में समझते हैं, कैसे समझेंगे, क्या है वो चीज जो हमें वचन बतलाया गया है कि संसार से समझौता ना करें। मसीह में मेरे प्रियो, यही चीज बतलाता है कि किसी झगड़े का निपटारा को जो दोनों पक्ष को स्वीकार होता है उसको जब करते हैं वो है समझौता करना। अर्थात
दोनों पक्ष में मेल मिलाप हो जाना, दोनों पक्ष में सलाह हो जाना, समाधान हो जाना, मेल मिलाप हो जाना, दोनों पक्ष में मेलजोल कराना। मसमी मेरे प्रियो, समझौते को हम लोग और विस्तृत रूप से समझेंगे, उसमें हम लोग इस रूप में भी समझ सकते हैं, समझौते में मान लेना, छूट दे देना, अपने जो सिद्धांत की बातें हैं उसको भी बलिदान कर देना, अपने आप को भी सौंप देना। मसीह में मेरे प्रियो, आइए जब हम लोग आज के इस वचन में देखते हैं दानियल एक एक से नौ पद में, इसको हम लोग पृष्ठभूमि में जाते हुए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने 605 ख्रीस्त पूर्व में यहूदा के राजा यहोयकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में उसने यरूशलेम पर चढ़ाई किया, और उसने क्या किया कि यहूदा के राजा यहोयकीम के परमेश्वर के भवन में जितने भी पात्र थे, जितने भी सामान थे, उन सबको छीन करके, उन सबको लूट करके नबूकदनेस्सर राजा अपने बेबीलोन अपने मंदिर के घर में रखवा दिया। ये तो किया ही किया, साथ में उसने और क्या किया जो हम लोग आज के इस वचन में पढ़ते हैं तीसरा पद में, जो सबसे बहुत ही बहुमूल्य है। उसने क्या किया कि उसने खोजों के प्रधान अस्पनज को आज्ञा दी कि वो क्या करे, यहूदा के राज्य में जितने भी जवान और प्रतिष्ठित पुरुष हैं, जो निर्दोष हैं, जो सुंदर हैं, जो बुद्धि में प्रवीण हैं, जो ज्ञान में निपुण और विद्वान हैं, उन सबों को बेबीलोन में लेके आए और उन सबों से क्या करवाए, उन सबों से संस्कृति और भाषा की शिक्षा उन सबों को दिया जाए, उन सबों के द्वारा बेबीलोन का सेवकाई किया जाए। ऐसा क्यों किया, ऐसा कदम को क्यों नबूकदनेस्सर राजा ने उठाया? मसीह में मेरे प्रियो, अगर हम लोग पृष्ठभूमि में देखते हैं, यहाँ पे अगर देखेंगे बेबीलोन के राज्य में नागरिकता की कमी बहुत कम थी, ऐसे जवान जो बहुत सुंदर है, विद्वान है, ज्ञानी है, उन सबों वे सब नहीं मिलते थे। और यहाँ पे नबूकदनेस्सर राजा ने इस कदम को उठाया कि यहूदा के राज्य में जो सुंदर हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो ज्ञानी है, उन सबों को ला करके बेबीलोन के संस्कृति और भाषा की शिक्षा को दे और उन सबों को अपने अंडर में रखे और बेबीलोन की नागरिकता को बढ़ाए, बेबीलोन की संगति को बढ़ाए, बेबीलोन में उन सबों को रख करके उनके साथ मेल जोल करके अपना उनके द्वारा सेवकाई को ले, इस बात को यहाँ पे देखते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, इसीलिए बेबीलोन के राज्य में जब हम लोग देखते हैं यहूदा के जितने भी यहाँ पे चार चुने हुए जन है, दानियल, हनन्या, मिसाइल और अजरिया, ये चारों जन का नाम बदल दिया गया इसलिए बदल दिया गया कि वे बेबीलोन के अंडर में रहे, उनकी नागरिकता के साथ जुड़ जाए, उनके साथ संगति में रह जाए, इसीलिए उनका नाम बदल दिया गया। अगर हम लोग वचन में देखेंगे सातवें पद में दानियल का नाम बदल दिया गया। दानियल का अर्थ था परमेश्वर मेरा न्याय है, जो यहूदा में रहकर के उसका नाम दिया गया था, दानियल परमेश्वर मेरा न्याय है। लेकिन बेबीलोन के राज्य में उसका नाम बदल दिया गया और उसका नाम बदल के हो गया बेलतसस्सर, जिसका अर्थ है बेल। बेल मतलब बेबीलोन का मुख्य देवता, बेल जो उसका प्राण को बचाएगा, इसलिए उसका नाम यह बदल दिया गया। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे हनन्या। हनन्या का अर्थ होता है यहूदा के अनुसार जो उसमें दिया गया था
प्रभु अनुग्रह करता है, प्रभु परमेश्वर अनुग्रह करता है, लेकिन उसका नाम बदल के हो गया साद्रक, चंद्रमा का देवता बतलाया गया। आगे हम लोग देखेंगे मिसाइल। मिसाइल का अर्थ होता है कौन परमेश्वर के समान है, लेकिन बेबीलोन के राज्य में उसका नाम बदल के हो गया मेसक, अर्थात प्रधान की छाया। फिर चौथा हम लोग देखेंगे आजरिया, जिसका अर्थ था प्रभु परमेश्वर सहायता करता है, लेकिन बेबीलोन के साम्राज्य में उसका नाम बदल के हो गया बुद्धि का देवता। मसीह में मेरे प्रियो, इस रूप में उन चारों मित्रों के नामों को बदल करके उनके नागरिकता में, उनके समाज में बढ़ाने के लिए, उनके सेवा को लेने के लिए वे लोग क्या कर दिए, उनको उनके नाम को वे लोग बदल दिए। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम लोग देखते हैं कि आज के इस वचन में प्रभु हम सबों से क्या बातचीत करता है। ये विशेष पद जो हम लोग को बतलाया गया है दानियल 1:1-8 दानियल 1:8 वहां पे वचन कहता है, दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ पे बहुत सुंदर बात को दानियल ने बतलाया है। अगर आज के इस वचन में हम लोगों ने देखा कि संसार से समझौता नहीं करना है, यह बात बहुत यहाँ पे मायने रखता है। जहाँ पे नबूकदनेस्सर राजा ने खोजा के प्रधान को आज्ञा दी और क्या कहा कि उन जवानों को जो हम लोग उठा के लाए हैं, जो बुद्धिमान है, देखने में सुंदर है, ज्ञानी है, उन सबों को क्या करना, बेबीलोन के भाषा और संस्कृति का शिक्षा तो देना, साथ में राजा के भोजन को खिलाना और दखमधु पिलाना, और 3 वर्ष तक उन सबों का पालन पोषण करना, तब जा करके उन सबों को राजा के सम्मुख उपस्थित किए जाए, उनका आज्ञा या था। लेकिन मस में मेरे प्रियो, यहाँ पे हम लोग देखते हैं दानियल ने उसके आज्ञा को कुचल डाला, नबूकदनेस्सर राजा के आज्ञा को दबोचा, दरकिनार किया, और उसने क्या कहा कि मन में ठान लिया वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दख मधु पी करके अपवित्र ना होना पड़े। मत में मेरे प्रियो, अगर हम लोग देखेंगे मन में ठान लेना, मन में सोच लेना, मन में तय कर लेना, मन में स्थिर कर देना और विचलित नहीं करना, ये क्या बात है जो दानियल ने इस बड़े कदम को उठा करके बोला, बोल पाया मन। मसीह में मेरे प्रियो, अगर हम लोग देखेंगे किसी भी घर में कोई भी अगर बहुत ही जरूरी सामान होता है, उसको रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, ताला और चाबी से लॉक करते हैं। मेरे हाथ में ताला और चाबी है, इसका मकसद होता है कि हम लोग इसको लॉक करके हमारे घर के अंदर जो अच्छा सामान है वो सुरक्षित रहे, वो बाहर ना निकले, दूसरों के हाथ में ना जाए। मसीह में मेरे प्रियो, इसी रूप में अगर हम लोग देखेंगे कि दानियल ने अपने मन में ठान लिया, सोच लिया और तय कर लिया, चाहे जो भी हो हम लोग राजा के आज्ञा को नहीं मानेंगे, उसके भोजन को खा करके, उसके दख मधु को पे करके अपवित्र ना होंगे, उनके साथ नहीं जुड़ेंगे, संगति नहीं रखेंगे, मेल मिलाप नहीं करेंगे, मेल जोल नहीं रखेंगे, अपने आप को नहीं देंगे। मसीह में मेरे प्रियो, यही बात है जो वचन हम सबों से कहता है कि संसार से समझौता नहीं करना है। मसीह में मेरे प्रियो, इसीलिए अगर वचन भी हम लोग देखेंगे, मन की बात हम सबों से वचन बात करता है, जहां हम लोग देखते हैं नीति वचन 4:23 में वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो वही है, कहता है वचन। यही पे अगर हम लोग और मन को स्थिर करने का बात है, ठान लेने का बात है,
स्थिर रखने का बात है, विचलित नहीं करने का बात है, तो वचन हम सबों से क्या कहता है? मसीह में मेरे प्रिय वचन कहता है नीति वचन 23 उसका 26, नीति वचन 23 उसका 26 का पहला कड़ी कहता है कि हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा। वचन कहता है नीति वचन 23 उसका 19 पद में कहता है, 23 उसका 19 पद, उसको कोई पढ़ देंगे नीति वचन 23 उसका 19 पद को? नीति वचन 23 उसका 19 पद को कोई पढ़ देंगे? खोल दिया मैं तो। हे मेरे पुत्र तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। बहुत बहुत धन्यवाद। हे मेरे पुत्र तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन को सुमार्ग पर चला। यही चीज दानियल इस बात दर्शाता है कि अपने मन में ठान लिया और इस कदम को उठाया। उसमें मेरे प्रियो आगे जब हम लोग देखेंगे इस वचन के दरमियान हम लोग चार बातों को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात यह है संसार से समझौता नहीं करना, संसार से समझौता नहीं करना, संसार से अलगाव रहना होता है, संसार से समझौता नहीं करना, संसार से अलगाव रहना होता है। मसीह मेरे प्रियो सच में अगर हम लोग संसार से समझौता करते हैं तब हम लोग संसार से मेल जोड़ रखते हैं, मेल मिलाप रखते हैं, संगति रखते हैं और उसके साथ जुड़े होकर के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। मसीह मेरे प्रियो अगर हम लोग देखेंगे मेरे हाथ में कुछ पेन है मेरे हाथ में और मेरे हाथ में एक धागा है। अगर इस पेन को हम लोग इस धागे के साथ में बांध देंगे ऐसा, जब हम लोग इस पेन को धागे के साथ में बांध देंगे तब ये क्या हो जाता है, इसके साथ में जुड़ जाता है, मेल हो जाता है, ये अलग नहीं होता, इसके साथ में संगति रखता है, धागे के साथ में जुड़ करके एक दूसरे के साथ। मसीह में मेरे प्रभु इसलिए हम सबों से इस बात को बतलाया गया है कि हम लोग संसार से समझौता ना करें, हम लोग अलग रहें। अगर हम लोग संसार से प्रेम करते हैं तो जरूर हम लोग संसार से अलग नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अगर हम लोग वचन पढ़ेंगे, वचन हम सबों से बतलाता है, हम लोग निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 16 से 22 पद में अगर हम लोग पढ़ सकते हैं, देख लेंगे वहां पे वचन कहता है मत्ती 19 उसका 16 से 22 पद में, वहां पे एक धनी युवक प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उससे प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा कि हे प्रभु भला काम मैं कौन सा करूं कि अनंत जीवन को पाऊं। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया कि यदि तू अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा कौन सी आज्ञा? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू चोरी ना करना, हत्या ना करना, अपने माता पिता का आदर करना, झूठी गवाही ना देना। तब वह धनी जवान ने क्या कहा यीशु मसीह से, प्रभु इन सबों को तो मैंने माना है और मुझ में क्या बात की घटी है? तब यीशु ने उससे कहा कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है, जीवन में अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो अपना माल को बेचकर, धन को बेचकर कंगालों को दे दो और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो। बस मेरे प्रियो तब वह धनी व्यक्ति ने, उस जवान ने क्या किया कि वह सुन करके चला गया क्योंकि वह बहुत ही धनी था, वो अपने धन से प्यार करता था, प्रेम रखता था, वो छोड़ने नहीं सकता था, उसे अलग नहीं होने सकता था, तो वो कैसे अनंत जीवन में प्रवेश कर सकेगा? मसीह मेरे प्रियो इसलिए वचन कहता है हम सबों से, पहला यूहन्ना अगर हम लोग पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 और 16 पद,
पहला यूहन्ना दूसरा उसका 15 और 16 पद, वहां पे वचन कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से होता है। मुझमें मेरे प्रियो, जब संसार से मेल मिलाप करते हैं, प्रेम रखते हैं, उसके संगति में जीते हैं, तब हमारे जीवन में अभिलाषा जागने लगती है, बढ़ने लगती है संसार के प्रति, पाप के प्रति। इंग्लिश बाइबल में कहता है सेल्फ डिजायर। मसीह में मेरे प्रियो, अत्यधिक इच्छा होना, अत्यधिक चाह होना अभिलाषा को बढ़ाता है और इस ओर हमारे कदम को उठाने के लिए, संसार से मेल रखने के लिए अगुवाई करता है। इसीलिए वचन हम सबों से भी कहता है कि हम लोग जब ये संसार में जी रहे हैं, ये हमारा घर नहीं है, हम लोग यहाँ पे परदेशी हैं, यात्री हैं, हम लोग का घर स्वर्गीय राज्य है। हम लोग क्यों संसार से जुड़े होकर के इस अभिलाषा के साथ जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि वचन कहता है अगर हम लोग पढ़ेंगे पहला पत्रस 2 उसका 11 पद, कोई पढ़ने में अगुवाई करेंगे, पहला पत्रस 2 उसका 11 पद। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग परदेशी और यात्री हैं और हम लोग संसार के अभिलाषाओं से बचे रहें जो आत्मा से युद्ध करती है। मसीह में मेरे प्रियो, जब हम लोग इस संसार में जीते हैं, हम लोग को हमेशा मसीह को पहन करके अपने जीवन को व्यतीत करना है। ये संसार में रह करके यीशु मसीह को पहन ले कि ये अभिलाषा हम लोग के जीवन में हावी होने ना दे, क्योंकि वचन कहता है अगर हम लोग पढ़ेंगे रोमी उसका 13:13-14 पद, रोमी 13:13-14 पद को, इसमें वचन कहता है जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और प्रियंकरपन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और ना डा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। मसीह में मेरे प्रिय, सच में जब हम लोग इस संसार में जीते हैं और हम लोग अपने नहीं हैं, प्रभु का वचन हम सबों से कहता है पहला कुरिंथ 6 उसका 19-20 पद में कि प्रभु का आत्मा हम सबों को दिया गया है, हम प्रभु के मंदिर हैं और हम सबों को प्रभु यीशु ने दाम देकर खरीद लिया है, उनके बेटे बेटियां हम लोग बन गए हैं। तो हम लोग का घर ये संसार नहीं है, हम लोग कैसे प्रेम कर सकते हैं, कैसे मेलजोल कर सकते हैं, कैसे समझौता कर सकते हैं। आइए मसीह में मेरे प्रियो, हम लोग अपने जीवन को इस संसार से अलग रखें, दूर रखें। आइए इस समय हम लोग हमारे यहाँ नवीन रोमन थियोलॉजिकल कॉलेज परिवार के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो एक्शन सॉन्ग के द्वारा हम सबों को कुछ बतलाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, और इन बच्चों के साथ हम लोग जुड़ करके भी एक्शन सॉन्ग करेंगे और हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे और उन सबों के साथ होकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, गीतों को गाएंगे। आइए हम लोग इस एक्शन सॉन्ग को जानते हैं। गीत का बोल है ना डूबावा रे भैया ना डूबावा, ईश्वर के आत्मा के ना डूबावा। आइए हम लोग सब कोई मिलके हम लोग करेंगे, अगर हम लोग सब कोई जुड़े हुए हैं, हम लोग खड़े होकर के भी हम लोग सब की कर सकते हैं और प्रभु की महिमा करते हुए अपने मन और हृदय में
ऐसे विश्वास को जगाए कि हम लोग प्रभु के साथ बढ़ सके। आइए हम लोग करेंगे। ना डूबावा रे भैया ना डूबावा, ना डूबावा रे भैया ना डूबावा, ने अपने कैमरा को आप लोग ऑन कर सकते हैं। बच्चों को बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं सुंदर एक्शन सॉन्ग के लिए। हम लोग सब कोई मिल के बच्चों को धन्यवाद देते हुए ताली बजाएंगे। अब बच्चों की द्वारा हम लोग सबको उन सबों को यीशु सहाय कहेंगे। एक दो तीन सच में मसीह में मेरे प्रियो लड़ाई झगड़ा करते हैं, संसार में जीते हैं, ईर्ष्या दाह करते हैं, बुराई को जगाते हैं, तब हम लोग जीवन को डूबती हुई नैया में हम लोग धकेल देते हैं। लेकिन जब हम लोग प्रभु की संगति में जीते हैं तब हम लोग अपने जीवन को बनाते हैं। बस में मेरे प्रियो आइए हम लोग आगे जाएंगे। दूसरी बात हम सबों से कहता है वचन कि संसार से समझौता नहीं करना, संसार के सीमा से बहुत दूर में रहना होता है। संसार से समझौता नहीं करना, संसार के सीमा से बहुत ही दूर में रहना होता है। अपनी दूरी को बढ़ाते हुए ले चलना होता है। मसीह में मेरे प्रियो यहाँ पे हम देखते हैं कि दानियल ने नबूकदनेस्सर राजा की आज्ञा को नहीं माना, उसने ठुकराया, उसने कहा कि राजा के भोजन को खा करके और उसके पीने के दख मधु को पी करके हम अपवित्र ना हो।
और उसने दूरी को बढ़ा करके क्या कहा कि उसने क्या खाए और क्या पिए, उसने क्या मांग की कि हमें साग खाने के लिए साग और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। मसीह में मेरे प्रियो इस बात को दिखलाता है कि दूरी को दिखलाता है, अलगाव को दिखलाता है, अपने सीमा से उसके सीमा से बहुत दूर ले जाने को दिखलाता है। मसीह में मेरे प्रियो आकर हम लोग आज के इस वचन में अगर हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब उसका 8वां अध्याय उसका 27-28 पद में वहां पे फिरौन राजा ने मूसा अगुआ जो इसराइलियों को मिस्र देश से निकालने के लिए गया था उन सबों से यह समझौता करने लगा कि तुम लोग जो कह रहे हो मुझसे कि हम लोग 3 दिन की यात्रा के लिए हम लोग को जंगल की ओर जाने के लिए आज्ञा दे कि हम लोग 3 दिन के मार्ग पर जंगल की ओर जाए और हम लोग प्रभु परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाए। मूसा ने इस बात को फिरौन राजा को बोला था लेकिन फिरौन राजा ने क्या आंसर दिया, फिरौन राजा ने यह उत्तर दिया कि तुम लोग बहुत दूर मत जाना। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं मसीह में मेरे प्रियो फिरौन राजा इसलिए इस बात को कहा कि बहुत दूर मत जाना, अगर वे सीमा से पार होकर के दूर जाते तो फिरौन राजा उन इसराइलियों पर दृष्टि नहीं रख सकता था, देख नहीं सकता था, इसलिए उन सबों को बहुत दूर जाने के लिए मना किया। मसीह में मेरे प्रियो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं वचन भी हम सबों से इस बात को दर्शाता है कि जब हम लोग ये संसार में जीते हैं हम लोग अपने जीवन को हम लोग बहुत दूर संसार के सीमा से बहुत दूर लेकर के जाए और हम लोग वापिस ना लौटे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अपने हृदय को परिवर्तन करते हैं और हृदय परिवर्तन के बाद अपने जीवन में जो बुराई होती है उसको छोड़ देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा परिस्थिति होता है, कभी कभी ऐसे संगति में जुड़ते हैं कि वे लौट करके आते हैं संसार से जोड़ने के लिए। मसीह में मेरे प्रभु हम सबों से प्रभु इस बात को बतलाना चाहता है कि जब हम लोग एक बार हृदय परिवर्तन करते हैं प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और हम लोग वापिस ना लौटे। अगर हम लोग शराब पी करके भी जो हम लोग प्रभु के सम्मुख गलत करते हैं दोषी ठहरते हैं संसार से मेल जोल रखते हैं उस बोतल को हम लोग चकनाचूर कर दे, जो हम लोग सिगरेट पीते हैं उसको हम लोग चकनाचूर कर दे, जो हम लोग ताश खेलते हैं संगति के साथ जुड़ करके उसको हम लोग तहस नहस करते, जो हम लोग मोबाइल के साथ फेसबुक में और बुरी बुरी चीजों को हम लोग देखते हैं जुड़ते हैं उन सबों को हम लोग तहस नहस करते, ये सारी चीजें इन सारी बातें प्रभु हम सबों से बतलाना चाहता है। मसीह में मेरे प्रियो क्योंकि वचन हम सबों से कहता है अगर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3:15-16 पद वहां पे वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3:15-16 पद में मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है, भला होता कि तू ठंडा या तो गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। मसीह ने मेरे प्रिय वचन हम सबों से इस बात को दर्शाता है हम लोग अपने आप को मूल्यांकन करें, अपने आप को देखें, आगे हम लोग जब हम लोग देखेंगे वचन कहा है कि हम लोग इस बुराई से बहुत दूर चले जाए, संसार के सीमा तक ही नहीं लेकिन बहुत दूर, इसीलिए तो वचन कहता है कि तू भाग भाग। अगर हम लोग पढ़ेंगे 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय उसका 22 पद में
दूसरा तिमुथी दूसरा अध्याय उसका 22 पद में, वहां पे वचन क्या कहता है, दूसरा तिमुथी दूसरा अध्याय उसका 22 पद में, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और किसका पीछा कर, शुद्ध मन से प्रभु का नाम ले और उसके साथ धर्म विश्वास और उसके मेल मिलाप का पीछा कर। क्यों भाग कहा वचन में, क्यों संसार की सीमा तक ही रहने के लिए नहीं कहा, पूरा भागने के लिए कहा, ऐसा ना हो कि हम लोग वापिस लौट आए संसार में जुड़े रहने के लिए। मसीह मेरे प्रियो, फिर वचन कहता है अगर हम लोग पढ़ेंगे पहला तिमुथी 6 उसका 11 पद में, पहला तिमुथी 6 उसका 11 पद, कोई पढ़ने में अगुवाई करेंगे, पहला तिमुथी 6 उसका 11 पद। परंतु ईश्वर के जन तू इन बातों से भाग और धार्मिकता भक्ति विश्वास प्रेम धैर्य और नम्रता का पीछा कर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सच में प्रभु का वचन ऐसा हम लोग को कहता है कि तू इन बुराइयों से भाग, और जो प्रभु की संगति में हम सबों को ले चलता है उससे उसके लिए तुम पीछा कर। मसीह मेरे प्रभु, आगे हम लोग जाएंगे वचन की ओर, हम लोग अभी तीसरी बात को देखेंगे। तीसरा बात है संसार से समझौता जब हम लोग करते हैं, जब हम संसार से समझौता करते हैं तब अपना सब कुछ उसे अर्पित कर देते हैं, हम लोग अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। जब हम लोग संसार से समझौता करते हैं तब हम लोग अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं, और हम लोग अपवित्र ठहरते हैं। इसीलिए तो दानियल ने इस बात को ठान लिया और कहा कि मैं समझौता नहीं करूंगा नबूकदनेस्सर राजा के अगुवाई के साथ, और उसने इस बात को कहा कि मुझे अपवित्र ना होना पड़े। वो क्यों अपने जीवन को उसके लिए दे दे, उसके लिए समर्पित कर दे। मसीह में मेरे प्रभु, अगर हम लोग वचन में भी देख सकते हैं, हम लोग इस बात को जानते हैं सिमसोन का चरित्र को, हम लोग न्यायों की किताब में भी देखते हैं सिमसोन जो जवान था उसके चरित्र को। जब उसके पिता मनो नामक व्यक्ति की पत्नी जो बांझ थी और उसका कोई पुत्र नहीं हो रहा था, ऐसे समय में यहोवा परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसे कहा कि तू एक पुत्र को जन्म देगी। और हमेशा इस बात को याद रखना कि जब तू उसकी माता है तो तू कोई दाखमधु को नहीं पीना, और तुम क्या करना जब गर्भवती होगी तुम अशुद्ध वस्तु को भी नहीं छूना, और जब तेरा पुत्र होगा तब उस पुत्र के सिर पर कोई छुरा नहीं लगेगा, उसका मुंडन नहीं किया जाएगा जन्म से, क्योंकि वह परमेश्वर के निकट नाजीर रहेगा। इस बात को परमेश्वर ने बोला, जिसे हम लोग देख सकते हैं न्यायों की किताब 13 अध्याय उसका दूसरा पद में, न्यायों की किताब दूसरा उसका 13 अध्याय उसका दूसरा पद से लेकर के 5वां पद में भी हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि सिमसोन जो परमेश्वर के सम्मुख नाजीर के रूप में ठहराया गया और वह इसराइलियों को पलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, और उसके जीवन में प्रभु का आत्मा बल के साथ अगुवाई करेगा। इसीलिए हम लोग इस चरित्र को, सिमसोन के चरित्र को, इसकी पूरी व्याख्या को, कहानी को हम लोग जानते हैं कि जब समस्या आती थी, संकट आती थी, उस समय में सिमसोन कैसा खड़ा होता था और परमेश्वर के आत्मा के बल के साथ वो लड़ाई करता था। हम लोग इस बात को भी जानते थे जब जवान सी सिमसोन के सम्मुख खड़ा हुआ तब सिमसोन क्या क्या किया, हम लोग देख सकते हैं कि सिमसोन
परमेश्वर के आत्मा में बल पाकर उसने एक सिंह को फाड़ डाला, जैसा कि एक भेड़िये को कोई फाड़ डालता है, वैसा ही उसने ऐसा किया। वो अपने बलबूते पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के बल और सामर्थ के साथ किया। मछली मेरे प्रियो, आगे जब हम लोग देखते हैं सिमसोन एक दलीला नामक स्त्री से प्रीति रखने रखा और उसके साथ में जुड़ते हुए उसकी संगति करने लगा, तब दलीला नामक स्त्री ने सिमसोन से पूछने लगा कि हे सिमसोन, तू मुझे ये बता कि ये बल ये सामर्थ तुझ में कहां से आते हैं, ताकि इस बात को पूछ करके दलीला नामक स्त्री इसराइलियों के विरुद्ध होकर के काम करना चाहती थी। मसीह में मेरे प्रियो, तब सिमसोन उससे झूठ बोला, दो तीन बार झूठ बोला, लेकिन जब चौथा बार में दलीला फिर सिमसोन से पूछी कि ऐसा बल और शक्ति सामर्थ कहाँ से आता है कि तुम इतना ये के साथ लड़ाई कर लेते, तब सिमसोन अपने मन की बात को उसे बतलाया, उसे समर्पित कर दिया बातों को बता करके। और वो बात उसने कहा कि जन्म से ही मेरा मुंडन नहीं हुआ है, सिर में छुरा नहीं लगा है, अगर मेरा मुंडन हो जाए तब मेरा बल और शक्ति नहीं रहेगा, मैं साधारण मनुष्य हो जाऊंगा। और मसीह में मेरे प्रियो, वह दलीला नामक स्त्री उसे अपने पास रख करके उसका मुंडन करा, जब वह सोया हुआ था तब वह साधारण मनुष्य बन गया सिमसोन। और जब उसने देखा कि सिमसोन उसे सब कुछ बता चुका है, उसे अर्पित कर दिया है अपना जीवन को, बता करके समर्पित कर दिया है, तब उसका फल तो मिलेगा ही। जब पलिस्ती उसके साथ लड़ाई करने लगे, वो उसके पास बल और शक्ति नहीं रहा, उसका आंख फोड़ दिया गया और उसे जेल खाने में डाल करके उसे चक्की पीसना पड़ा। मसीह में मेरे को, इसलिए वचन हम सबों से कहता है इस बातों को भी कि बुराई के साथ जुड़ करके हम अपने जीवन को समर्पित ना करें, ना दे, अर्पित ना करें, क्योंकि हमारे जीवन, हमारा मस्तिष्क, हमारा हृदय, हमारा धन, हमारा संपत्ति, जो कुछ है उसे प्रभु परमेश्वर को बलिदान करके समर्पित करें। क्योंकि वचन कहता है, अगर हम लोग पढ़ेंगे रोमी की पत्री, रोमी उसका 12 अध्याय उसका पहला पद, रोमी 12 उसका पहला पद में कोई पढ़ने में अगुवाई करेंगे? रोमी 12 उसका पहला पद, अतः हे भाई, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर उसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, कहता है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब हम लोग अपने सब कुछ को बलिदान करके चढ़ाते हैं, इसीलिए वचन भी कहता है मसीह में मेरे प्रियो, पहला पत्रस 1 उसका 15 और 16 पद में, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जैसा दानियल ने इस बात को दर्शाया कि मैं क्यों अपवित्र हूं, क्यों अपवित्र बनू, क्यों अपवित्र रहूं। मसीह में मेरे प्रियो, इसलिए वचन भी कहता है, पहला थिसलोनी उसका 4 अध्याय उसका 7 पद में बहुत सुंदर इस बात को बतलाया गया है। पहला थिसलोनी 4 अध्याय उसका 7 पद में वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है, अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। मसीह में मेरे प्रियो, जब हम सबों से वचन कहा है कि हम लोग संसार से समझौता ना करें, उसे अपने जीवन को समर्पित ना करें, ना दे, ना अर्पित करें, तो आइए हम लोग जब ऑनलाइन सर्विस के द्वारा बाइबल क्लास में एकजुट हुए, अपना सब कुछ को
प्रभु परमेश्वर को समर्पित करें, उसे दे, उसके हाथों में दे, क्योंकि हम लोग अपने नहीं हैं, उसके बेटे बेटियां हैं। आइए हम लोग एक पद हम लोग गीत को गाएंगे और ये गीत हम लोग सबको जानते हैं, पहला पद और कोरस को साक्षीवाणी से है, साक्षीवाणी गीत नंबर 273, साक्षीवाणी गीत नंबर 273, पहला पद और कोरस को हम लोग गाएंगे। गीत को गाते हुए अपने मन और हृदय को, अपने सब कुछ को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए हम लोग गाएंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊं का मैं रोज मसीह में यूज पर रखूंगा ही मां, सब में देता हूँ, सब में देता हूँ तुझे को मेरे प्रियो। प्रभु यही चाहता है हमारे जीवन से। आइए हम लोग आखिरी कड़ी में भी इस बात को देखें, इस बात को जानें कि संसार से समझौता करना, परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास रखना और उसकी आज्ञाओं को ठुकराना होता है। संसार से समझौता रखना, समझौता करना, परमेश्वर के ऊपर हमारा जो विश्वास है, उसके प्रति हमारा जो आज्ञाकारिता है, उसको ठुकराना होता है, उसे कुचल डालना होता है, उसे दरकिनार करने होता है। बस में मेरे प्रयोग, दानियल जवान ने ऐसा नहीं किया, उसने निडर होकर के, क्या वो ऐसा कदम उठाने के लिए पीछे हटा? नहीं, लेकिन वो परमेश्वर पर विश्वास करता था कि परमेश्वर उसके साथ है और उसने उसकी आज्ञा को नहीं माना और उसने कहा कि नहीं, मैं उसका राजा का जो भोजन है, उसका जो जो दखबद्धु पिता है, उनके साथ में भागी नहीं हूंगा, मैं अपवित्र नहीं ठहरूंगा। इसी बात को दर्शाता है दानियल, परमेश्वर के प्रति उसका क्या विश्वास है, क्या आज्ञा है, उसे वो किस रूप में मानता है। जब समस्या आए, परीक्षाएं आए, संकट आए दानियल के जीवन में, कि उसे वहां तक ले जाया गया, ऐसे समय में भी वह उसकी आज्ञा को नहीं ठुकराया और सच में परमेश्वर ने उसका उपाय किया। और जब दानियल ने इस बात को बोला कि मैं नहीं खाऊंगा भोजन को, तब खोजा प्रधान के मन में दया को भर दिया परमेश्वर ने और सब पुरुषों से बढ़कर दानियल और उसके तीनों मित्रों का मुंह चमकने लगा जब वे किस साग और पानी पीने लगे और वे सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी ठहरे। मसीह में मेरे प्रियो, सच में जब हम लोग देखते हैं अपने जीवन को भी, जब हम लोग मनुष्य हैं, कभी कभी हम लोग संगति के साथ जुड़ करके हम लोग संसार से समझौता कर बैठते हैं और ऐसा सोच लेते हैं कि अरे क्या होगा, संगति तो कर दे रहे हैं, उनका क्यों दरकिनार करें, वो मेरा दोस्त ही तो है, उसके साथ संगति करके मैं पाप भी थोड़ा कर लेता हूँ, गलत काम भी कर देता हूँ। मसीह में मेरे प्रभु, इसमें तो सच में हम लोग प्रभु परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन आज के इस वचन में हम लोग देखते हैं कि दानियल और उसके तीनों मित्र जब ऐसा कदम को उठाए, वे विजय प्राप्त किए, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ विजय हुए। आज हम सबों से भी वचन इस बात को बतलाता है
कि जब हम लोग समस्याओं में हैं, संकटों में, परिस्थितियों में, परीक्षाओं में भी अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, ऐसे समय में भी हम लोग परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे, आज्ञाकारी बने रहे, ताकि हम लोग विजय प्राप्त करें। क्योंकि वचन कहता है, अगर हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5 उसका 4 पद, पहला यूहन्ना 5 उसका 4 पद वचन कहता है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास है, कहता है मसीह में। मेरे प्रियो, जब हम लोग ये संसार में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और ये संसार में जीवन को व्यतीत करने के दरमियान हमारा युद्ध, हमारा लड़ाई संसार से है, क्योंकि वचन कहता है इफिसी 6 अध्याय उसका 12 पद, इफिसी 6 उसका 12 पद, कोई पढ़ने में अगुवाई कर देंगे, इफिसी 6 उसका 12 पद। इफिसी 6 उसका 12 पद, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों और संसार से है जिससे हम लोग युद्ध करते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए और उसकी आज्ञा को मानते हुए हम लोग इस संसार में समझौता नहीं करके हम लोग विजय प्राप्त करें, क्योंकि वचन कहता है सबोपदेशक उसका 12 अध्याय उसका 13 पद, सबोपदेशक 12 उसका 13 पद, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य तो यही है। मसीह में मेरे प्रियो, आइए हम लोग इस वचन के आधार पर अपने जीवन को भी व्यतीत करें। हम लोग संसार से समझौता ना करें, संगति ना रखें, मेलमिलाप ना रखें, जब हम लोग ऐसे परिस्थितियों में जीवन को जीते हैं। और हम लोग सब कोई जवान हैं और संसार और पाप हम सबों को उसकी ओर खींचता है। हम लोग प्रभु परमेश्वर के संगति में जीते हुए उसकी आज्ञा को पालन करें और इस संसार में हम लोग जय प्राप्त करें प्रभु के लिए। प्रभु इस वचन में हम सबों को आशीष दे, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करते हैं, करने के बाद हम लोग एक भजन गीत गाएंगे। अपने मन और ध्यान को प्रभु की ओर उठाएं और अपने जीवन को प्रभु के लिए दें। हे पवित्र और पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं तेरी बड़ी दया और आशीष और अनुग्रह के लिए कि डाइसेशन युवा बाइबल ऑनलाइन क्लास करने के लिए आपने बहुत ही सहायता और मदद किया प्रभु जी, कि तीन दिन यह संपन्न होने पाया है पिता, और अब तक तो हमारे बीच में है या आपकी अगुवाई रहा के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि तू अपने वचन से हम सबों से बोला है और बातचीत किया है। तू हम सबों से सब बातचीत करे, अगुवाई करे पिता, कि जब हम लोग ये संसार में जीते हैं, हम लोग को ऐसी आत्मा दे कि हम लोग आपके बच्चे होने के लिए तैयार होने पाए, आपके वचन की संगति में जीने पाए, कि आपके अगुवाई में होकर के बढ़ सके। तू ही हमारी सहायता और मदद कर। जितने हम लोग जुड़े हैं पिता, हमारे मन हृदय की बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ आप ही का है। आप ही इसका उपाय कर, आप ही सहायता और मदद कर। यीशु के नाम में यह प्रार्थना हमारे उद्धार करता, मुक्तिदाता और जी उठे हुए यीशु के नाम में मांगते हैं। दया करके सुनिए और सबके राज्य में ग्रहण कर दीजिए, आमीन। आइए समय हम लोग जो प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। यहाँ पे बच्चे लोग भी हैं और यहाँ पे उपस्थित बहनें हैं, हम लोग यहाँ आकर के हम लोग खड़े होकर के गीत गाएंगे। गीत का बोल है, संसार से नाता तोड़ी, ईश्वर से नाता जोड़ी,
चल लियो जाप स्वर्ग राज, हाय रे चल लियो जाप स्वर्ग राज, ईसु हमार अगुआ रे, मसी हमार सहारा रे। के नाम रेवरेंड सलीमा कुजूर मैडम जी को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर शिक्षा को हमें प्रदान किए हैं, जो कि संसार से समझौता नहीं, संसार कितने ही रूप से हमें लोभ दिखाता है और हमें खींचने का प्रयास करता है, परंतु आज हम युवाओं को यह समझना है और हमें आज एहसास लेना है कि संसार से या संसार की रीति से हम चलते हैं तो निश्चय ही हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें आज यह अपने आप में दृढ़ निश्चय करना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, तो निश्चय ही हम संसार से हम विजय पाएंगे और अपने आप को हम उस ईश्वर की ओर ले पाएंगे। सुंदर शिक्षा के लिए हमारे रेवरेंड सलीमा कुजूर मैडम को बहुत बहुत फिर से तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, और अपेक्षा करते हैं कि आगे भी आप जब भी हम डायसिस युवा संघ आपको याद करती है तब निश्चय ही हमें आप अपना सेवा प्रदान करेंगे। तो फिर से रेवरेंड सलीमा कुजूर मैडम जी को डायसिस युवा संघ का नाम सहृदय धन्यवाद धन्यवाद। और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं संचालन करने के लिए हमारे संडे स्कूल प्रभारी महोदय को सौंपता हूं कि आगे का कार्यक्रम को देखेंगे।
धन्यवाद भाई सुमित सेवा संघ कोषाध्यक्ष महोदय, आपने सुंदर संचालन किए हैं। और फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रेवरेंड जो हमारे वक्ता हैं सलीमा खुजूर जी को, कि उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों से वचनों से हमें मामूर किए हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और आइए समय हम लोग आगे के कार्यक्रम में हम लोग जाएंगे और इस समय होगा आदर्श भजन का। तो इस समय सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा आदर्श भजन के लिए दिल्ली पेरिस अपने आदर्श भजन को लेकर के हमारे विश्व में आदर्श भजन को प्रस्तुत करेंगे दिल्ली पेरिस। और आगे के संचालन के लिए हमारे क्षेत्रीय सचिवगण तैयार रहेंगे। दिल्ली पेरिस, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप अपना आदर्श भजन प्रस्तुत करेंगे। आवाज आ रही है आपको? हमारी आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक है। दिल्ली पेरिस की तरफ से आप सभी को यीशु साय। मैं अनु काका और अनिमा काका, मेरी धर्मपत्नी, हम आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं जवानों के विषय में, जागो मसीह जवानों। क्योंकि दिल्ली में थोड़ा सा कोरोना की दिक्कत है, काफी ज्यादा अब यहाँ पे संक्रमण बढ़ गया है, तो हम लोग इकट्ठा नहीं होने पाए, लेकिन हम लोग एज अ फैमिली होकर, एज अ पैरिश होकर आपके सामने गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। गीत के बोल हैं, जागो मसीह जवानों, कब तक यूं सोते रहोगे, तुम हो अगर बेसहारा, यीशु से नाता जोड़ लो। जागो मसीह जवानों, कब तक यूं सोते रहोगे, तुम हो अगर बेसहारा, यीशु से नाता जोड़ लो। जागो मसीह जवानों, कब तक यूं सोते रहोगे, तुम हो अगर बेसहारा, यीशु से नाता जोड़ लो। जागो मसीह जवानों, आज कल और परसों में परसों के सुख दूर बंधे हैं, बस अपना ये आज का दिन है, जाने कल हो कितना काला, आज कल और परसों में परसों के सुख दूर बंधे हैं, बस अपना ये आज का दिन है, जाने कल हो कितना काला, खाली है तेरा ये दामन, सांसे भी तेरी नहीं है, खुद का भरोसा तुम चल, सब कुछ यही रह जाएगा। जागो मसीही जवानों, ओस की बारिश तो देखा न होगा किसी ने, परमेश्वर की आशीष भी आती नजर है किसी।
है बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली पेरिस के भाभी को, सुंदर गीत प्रस्तुत उन्होंने किया है और प्रभु आपको बहुत आशीष दे, ऐसे ही हमें नए नए गीतों से गीतों को हम हमारे बीच में रखें, हम सुने और प्रभु में आशीषित हो। फिर से मैं प्रोडेसिस युवा संघ के नाम आप दोनों भाई भैया भाभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद। और इस समय आगे के कार्यक्रम को संचालन करने के लिए हमारे क्षेत्रीय सचिव पश्चिमी इंजीनियरी विक्टर खाका जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आगे के कार्यक्रम को संचालन के लिए वे आएंगे। विक्टर भाई अगर आज आपका कार्य है तो। हेलो हेलो, धन्यवाद सर। संडे स्कूल सेवा संघ निखिल बड़ा को बहुत धन्यवाद देता हूँ मौका देने के लिए, अवसर देने के लिए। और कार्यक्रम की कड़ी को बढ़ाते हुए हम बुलाना चाहते हैं खुट्टी टोली पेरिस को कि वे आए और आदर्श भजन प्रस्तुत करें। खुट्टी टोली पेरिस खोटी टोली पे अगर खोटी टोली पेरी तैयार है तो हम लोग रेडी है सर। इसी के साथ तैयार रहेंगे। इसके बाद मांडर पेरिस पेरिस हरसेर पेरिस उठेल पेरिस इसके बाद तैयार रहेंगे मांडर पेरिस राजगमपुर पेरिस पेरिस और कुनकुरी पेरिस। और अगर कोई नाम देना चाहते हैं पेरिस होकर के गीत गाना चाहते हैं तो मैसेज करेंगे डीवाईएस में। धन्यवाद। आपके सामने खुटी टोली पेरिस। आप सबों को हमारी खुटी टोली पेरिस युवा संघ की ओर से यीशु सहाय। आइए आज इस ऑनलाइन बाइबल क्लास में हम लोग गाना गाना चाहते हैं। सभी हमारा साथ देंगे। ये गाना सभी लोग जानते हैं दुनिया के मानवा पर न सोचा ही माटी काया के आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा। आइए सभी लोग हम इस गाने को जानते हैं तो हम लोग इस गाना को गाकर प्रभु को महिमा देंगे। दुनिया के
Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आप सबों को। फिर से भुटकोली पेरी सेवा संघ के नाम यीशु सहाय आत्मा के सिंगरावा गीत की प्रस्तुति के लिए पूरे डायसिस सेवा संघ परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच आ रहे हैं मांडर पेरिस अरस भजन के लिए मांडर पेरिस। बहुत बहुत धन्यवाद को सुंदर समय देने के लिए। आपको धन्यवाद मानव पेरिस की ओर से। आप सबों को हम लोग इसी बार में इसी सहाय करते हैं और जो हम आदर्श भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं तो उसका बोल है डरबे ना मने वहां डरबे ना मने वहां इस तौर मझे आए है। आप लोग सभी कोई बहुत लोग जानते होंगे तो साथ साथ में आप लोग भी जो जुड़े हैं अपने से गाइएगा वहां। तो इसी तरह से हम लोग शुरू करते हैं। डरबे ना मने वहां डरबे ना मने वहां यीशु तोर मजे आए डरबे ना मने वहां डरबे ना मने वहां यीशु तोर मजे आए रखवाला होए के सहारा होए के रखवाला होए के सहारा होए के डर बे ना मनीवा डर बे ना मनीवा यीशु तोरे मजे आए डर बे ना मनीवा डर बे ना मनीवा यीशु तोरे मजे आए तीर जा जा बे बिनती तोय करा बे बाई बल गढ़ बे वाचन तोय भला बे गिर जा जा रास्ता
आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा सुंदर पारी देने के लिए। धन्यवाद सर। मदर पेरिस को प्रस्तुति के लिए आशीष सिवासंग को धन्यवाद। और मैं इस ऑनलाइन कार्यक्रम को कार्यक्रम की कड़ी पढ़ाते हुए संचालन के लिए कार्यक्रम संचालित करने के लिए मैं सजीत पन्ना क्षेत्र के मध्य विद्यालय को आमंत्रित करता हूँ। सजीत पन्ना कार्यक्रम संचालित करने के लिए मैं सजीत पन्ना क्षेत्रीय सचिव मध्य विद्यालय आमंत्रित करता हूँ। सजीत पन्ना सर, होस्ट महोदय सजीत पन्ना तक आवाज पहुंचाई जाए। हाँ सर बोलिए। सजीत पन्ना क्षेत्र सचिव केंद्रीय सजीत पन्ना अनम्यूट कर सकते हैं वो अपने आप। धन्यवाद सर। मैं विक्टर सर को मैं धन्यवाद देता हूं और अभी के संचालन के लिए। और अभी बहुत सुंदर मांडर पेरिश ने जो आदर्श भजन पेश किया है, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने अपना आदर्श भजन पेश किया है। और चलिए हम और कुछ पेरिशों को बुलाएं, हम आदर्श भजन में शामिल हों और जोरदार तालियों के साथ में अपने घर में भी हम झूमे नाचे तालियों के साथ में और हम प्रभु की महिमा करें। और फिलहाल मैं बिना समय गवाए हुए मैं चाहूंगा कि हाट या अभी जो राजगंगपुर पेरिश है, राजगंगपुर पेरिश जल्दी से आ जाए। हमारे दैशी शिवा संघ के कोषाध्यक्ष जी का पेरिश है राजगंगपुर पेरिश। मैं चाहूंगा राजगंगपुर पेरिश जल्दी से आए, अपना आदर्श भजन पेश करे और हम लोग राजगंगपुर पेरिश के साथ में झूमेंगे नाचेंगे भी तालियां भी बजाएंगे अपने घरों में। सो प्लीज मैं चाहूंगा राजगंगपुर पेरिश प्लीज राजन पेरिश आवाज हमारी आ रही है? जी आ रही है। ओके, हम राजगंगपुर पेरिश का स्वागत करते हैं और बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज राजगंगपुर पेरिश। ओ हरे दिदासा हरे सोना, ओ हरे दिदासा I'm
पन्ना सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। पन्ना सर मैं डायसिस युवा संघ होकर के राजगमपुर पेरिस के सभी भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं सुंदर गीत भजन के लिए। हमारे पन्ना सर की आवाज नहीं आ पा रही है। मैं पुनः डायसिस युवा संघ के नाम आप सभी भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं सुंदर गीत के लिए। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी समय होगा हम लोग हरशेर पेरिस के द्वारा अपने भजन के साथ हरशेर पेरिस आएंगे। आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं हरशेर पेरिस के भाई बहन। ध्यान देंगे केवल हरशेर पेरिस के भाई बहन ही अपने माइकों को अनम्यूट करेंगे। हरशेर पेरिस युवा संघ की ओर से आप सब हमको 1 2 3 ईशु सहाय। मेरी आवाज आप लोग तक सुनाई दे रही है ना? दे रही है। इसके बाद कुनकुरी तैयार रहेंगे। कुनकुरी पेरिस गाना का बोल है जीवन रूपी मोर डोगा मिला फिर डोलाते समुद्र माचे। इसके बाद कुनकुरी पेरिस ला 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 ला
हर्षेर पेरिस को सुंदर आदर्श भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सुंदर प्रस्तुति के बाद आप लोग दिल थाम कर बैठिए, हमारे बीच में आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से कुनकुरी पेरिस, और अभी का समय रहेगा कुनकुरी पेरिस के लिए आप हम सबों के बीच में सुंदर आदर्श भजन को प्रस्तुत करेंगे। तो कुनकुरी पेरिस आपका स्वागत है। सब है यार
हमारी आवाज आ रही है जी? आ रही है, आपका आवाज आ रही है। वीडियो ऑन कर लेंगे, वीडियो ऑन करेंगे। युवा संघ की ओर से आप सभी को इशू करना चाहते हैं। एक दो तीन इशू सहाय। हरे नादान मलवा नंदनी समय नाते, हरे सुंदर मलवा करने बोलो, हम वेटिंग रूम में आएगा तो हम उसको अलाउ कर देंगे। Right now.
सुंदर प्रस्तुति के लिए कुनकुरी पेरिस को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सुंदर सुंदर यूनिफॉर्म में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, साथ ही बहुत ही सुंदर गीतों से हम सबों को आशीषित किए, हम लोग को रिझाए, इसलिए फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कुनकुरी पेरिस को। और अभी का आगे का कार्यक्रम संचालन करने के लिए गुमला पेरिस तैयार है। ठीक है, तो जैसा कि सूचना मिला है अभी का समय रहेगा हमारे बीच में गुमला पेरिस का, जो हमारे कलिसिया का दिल कहलाया जाता है, हार्ट है, हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष का पेरिस। बहुत बहुत ऐसे स्वागत है आप सबों का हमारे बीच में आदर्श भजन पर प्रस्तुत करने के लिए, तो आप सबों का स्वागत है, आप लोग अपना भजन प्रस्तुत कीजिएगा। और गुमला पेरिस के बाद में दिल्ली पेरिस से एक भाई हैं आनंद खलखो, अगर वो जुड़ पाए हैं तो वो भी तैयार रहेंगे। दिल्ली पेरिस से भाई आनंद खलखो इसके बाद तैयार रहेंगे। गुमला पेरिस की ओर से आप सबों को इशुसा है। जवानी की अभिलाषा तुझको अपनी ओर खींचेगा, जवानी की अभिलाषा तुझको अपनी ओर खींचेगा। भला सुनो रे जवानो, सुनो रे युवतियों प्रभु हमें कहता है, सुनो रे जवानो, सुनो रे युवतियों प्रभु वाणी, प्रभु हमें कहता है, हमें सिखाता है, सर मान जाओ। सन सभी अभिलाषा तुझको अपनी ओर खींचेगा, हमें कहता है, हमें सिखाता है, सर मान जाओ।
देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुंदर भजन के लिए मैसेज की ओर से, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर गीतों के माध्यम से हम सबों को सिखाया और पूरे इस बाइबल क्लास के बारे में हम लोग जैसे सीख रहे थे लगभग लगभग सभी इस गीत में आ रहा था। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे गुमला पेरिस युवा संघ को। और अभी मौका रहेगा दिल्ली पेरिस से भाई अनूप, भाई आनंद, भाई आनंद आपका पारी रहेगा, तो आप अपना वीडियो ऑन कीजिए और माइक ऑन कीजिएगा। धन्यवाद। मेरा आवाज आ रहा है सर? हाँ सर आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, तो फिर से और एक बार हमारे दिल्ली परिस की ओर से और एक बार फिर से यीशु मसीह के मधुर नाम में एक साथ नीतू सहाय जानता हूँ मैं, यीशु सहाय। तो फिर से और एक गाना आप लोगों के बीच में पेश करना चाहते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। गाना का बोली कुछ इस तरह है, हे मनवा स्विच ले तो जीवापन झेक ले तो ये दुनिया में कैसन चाल तो कैसन तो जिंदगी। कभी पुराना गाना है। हरमू मंडली तैयार रहेंगे इसके बाद, हरमू मंडली सभी लोग मिलके गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। मनवा सुच ले तो जीवापन झाइक ले तो, हे मनवा सुच ले तो जीवापन झाइक ले तो, ये दुनिया में कैसन चाल तोर, कैसन तोर जिंदगी। दुनिया में कैसन चाल तोर, कैसन तोर जिंदगी। हे मनवा सुच ले तो जीवापन झाइक ले तो, हे मनवा सुच ले तो जीवापन झाइक ले तो, ये दुनिया में कैसन चाल तोर, कैसन तोर जिंदगी। ये दुनिया में कैसन चाल तोर, कैसन तोर जिंदगी। बाइबल पढ़ के भैया जीवापन झाइक ले तो, बाइबल पढ़ के भाई जीवापन झाइक ले तो, ये दुनिया में कैसन चाल तोर, कैसन तोर जिंदगी। ये दुनिया में कैसन चाल तोर, कैसन तोर जिंदगी। मंडली में भाया जीवापन झाइक ले तो, मंडली में बाही जीवापन झाइक ले तो, ये दुनिया में कैसन चाल तोर, कैसन तोर जिंदगी। ये दुनिया में कैसन चाल तोर, कैसन तोर जिंदगी। धन्यवाद समय देने के लिए भाई आनंद खलखो को। पूरे डायसिस युवा संघ होकर के हम धन्यवाद देते हैं सुंदर गीत के लिए। भाई आपको परमेश्वर बहुत अच्छे आशीष को देवे, आप इसी तरह परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते जावे। अभी समय होगा कि हम लोग रांची पेरिस के हरबू मंडली के द्वारा, भाई बहन के द्वारा हम लोग गीत भजन को सुनेंगे। और किसी कारणवश मैसेज को डिसेबल किया गया है, तो आप अगर कोई गाना गाना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, अन्यथा हम लोग प्रोग्राम की अंतिम ओर बढ़ेंगे।
इशु सहाय सर, एक बार और रुकेंगे हमारे कोऑर्डिनेटर महोदय, हम लोग फिर से बहुत ही आप लोग अच्छे गीतों को आप लोग प्रस्तुत किए हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि आपकी अगुवाई में और एक गाना हम लोग गाएंगे और इस बीच में हम लोग जो हम लोग का दान होगा वो हम लोग इकट्ठा करेंगे। तो हमारे हरमु मंडली के द्वारा और एक गीत प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें हम दान हम लोग अपने अपने जगह में दान को एकत्रित करेंगे और अपने अपने मंडली अधिकारियों के माध्यम से पेरिस तक पहुंचाने की बाद में कृपा करेंगे। तो अभी हरमु मंडली के द्वारा और एक गीत प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद। जान भी है वरदान भी है, सब कुछ तो है तेरे पास। वन टू थ्री फोर रेडी। अरे जान भी है वरदान भी है, सब कुछ तो है तेरे पास।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रांची पेरिस के भाई बहनों को। सचमुच में हमारे कोऑर्डिनेटर रेवरेंड फिल्मुंतिगा की अगुवाई में काफी जोश और उत्साह के साथ बच्चे बच्चियों का काफी सुंदर गीत भजन हम लोग यहाँ पर देखने पाए। सबों को पुनः पुनः डायसिस युवा संघ के नाम हम धन्यवाद देते हैं आपकी सुंदर गीत में अगुवाई देने के लिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग आगे का संचालन के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय को हम लोग सौंपते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है कि नहीं, थोड़ा गाइड करेंगे विल्सन भाई? आ रही है सर। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई विल्सन को हमें सौंपने के लिए मंच। तो अभी समय होगा कि हम लोग कुछ एक सूचनाओं में जाएंगे, उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन का समय होगा, तत्पश्चात हम लोग रेवरेंड फिल्मुंत तिगा के अगुवाई में हम लोग आज के हमारे कार्यक्रम को, हमारा ऑनलाइन बाइबल क्लास को, 3 दिवसीय ऑनलाइन बाइबल क्लास जो पेरिस स्तरीय होना था लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से हम लोग एक जगह में एकत्रित नहीं हो पा रहे, इस कारणवश हम लोगों ने ऐसा कार्यक्रम रखा और हम लोग अब अंतिम क्षणों में पहुंच चुके हैं। मैं जानकारी है तो आप लोगों को सूचना दे देना चाहता हूँ कि अभी जो सूचना है, हम लोगों का ये 3 दिवसीय ऑनलाइन बाइबल क्लास समाप्त होने वाला है और कुछ क्षणों पश्चात हम लोग इसको वैधानिक रूप से इसको हम लोग समाप्त करेंगे। और इसी क्रम में मैं आप लोगों को सूचित करता हूँ जो आने वाले हमारे ऑनलाइन आगे कार्यक्रम है उनके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। कल दिनांक 7/6/2020 को युवा दिवस है, 7/6/2020 युवा दिवस है। युवा दिवस की गिरजा आराधना भी डायसिस युवा संघ की ओर से संचालन किया जाएगा, जिसकी आराधना की अगुवाई हमारे सचिव महोदय हमारे दया सागर लकड़ा जी उनकी अगुवाई में आराधना की जाएगी। यह आराधना ग्रुप में होगी, साथ ही उपदेश जो होगा हमारे रेवरेंड फिल्मुंतिगा हमारे डायसिस युवा संघ के कोऑर्डिनेटर महोदय उनकी अगुवाई में होगी, साथ ही डायसिस युवा संघ अध्यक्ष
अर्थात मेरे द्वारा कल युवा दिवस की शुभकामना संदेश ही मेरे द्वारा होगी। यह प्रातः 8 बजे सुबह से होगी। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में हम लोग जैसा आज जुड़ने पाए हैं, विगत समय में जुड़ने पाए हैं, आप लोगों से निवेदन होगा आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ेंगे प्रातः 8 बजे और हम लोग कल के आराधना में जुड़ करके प्रभु के आशीष को, युवा दिवस के आशीष को हम लोग ग्रहण करने पाएंगे। इसी के साथ दूसरी सूचना है, दिनांक 9 जून 2020 को जो हमारा कलिसिया का जो बपतिस्मा दिवस है, हमारे जो नवीन डोमन तिर्की जी, उनका जो हमारा बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मा दिवस है, हम लोग 117वां बपतिस्मा दिवस उसका गिरजा आराधना प्री कॉन्फ्रेंस कॉल में किया जाएगा, तो उसमें भी आप लोग अधिक संख्या में जुड़ेंगे, आप लोगों तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं बताना चूक गया, कल जब हम लोग रविवार में जुड़ेंगे गिरजा आराधना, उसी के पश्चात हमारा 10 बजे से, कल के दिन ही हमारा 10 बजे से संडे स्कूल, जो हम लोग ऑनलाइन संडे स्कूल डायसीसी वर्सन की ओर से अगुवाई पा रहे हैं, संडे स्कूल में भी आप लोग अधिक संख्या में जुड़ेंगे, उस पोस्टर को भी निर्गत किया जाएगा। और ये अगुवाई आराधना की अगुवाई रानी गंगा पेरिस के द्वारा होगी। इसी के साथ जो हमारे कल के जो हमारे संडे स्कूल के जो टीचर होंगे, पंडित नीलेश मिंज जो डीसी मल्लार के विद्यार्थी हैं, उनके अगुवाई में कल संडे स्कूल का संदेश वो दिया जाएगा। और जो टीम है प्रभु के साथ, यीशु मसीह के साथ जीवन व्यतीत करना, इस तरह का थीम है। इस प्रकार की इन बातों की सूचना को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यही हम लोग का संक्षिप्त जो सूचना है। और इसी के साथ कल युवा दिवस है, युवा दिवस पापादान भी हम लोग करते थे, और हम लोग विगत समय में युवा दिवस डायसिस पहुंचाने पाए थे, लेकिन कारणवश हम लोग ऐसा जान रहे हैं कि वो नहीं हो पाया। आप लोगों से निवेदन है, हमारे युवा दिवस के नाम में भी जो लिफाफा दान दिया जाता है, उसको भी आप लोग अपने स्तर से जमा करने का प्रयास करेंगे और अपने अधिकारियों के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जो भी डायसिस का भाग है उसको डायसिस को, और जो पेरिस का भाग है उसको पेरिस में हम लोग देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सचमुच हर से देने वाले से परमेश्वर प्यार करता है, प्रेम करता है, उनको आशीष की भरपूरी होती है। हम लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे। इन्हीं सूचनाओं के बाद मैं आगे की ओर जाना चाहता हूं, और अभी समय होगा बिना देर के हम लोग, क्योंकि हम लोग का समय आज 20 मिनट हम लोग आगे चले गए हैं, मेरे पीछे घड़ी है मैं देख रहा था, तो हम लोग धन्यवाद ज्ञापन की ओर जाएंगे। और अभी हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर आप पहुंचा है, क्योंकि किसी कार्यक्रम का चाहे किसी भी चीज का शुरू होता है तो अंत होता है, हम लोग अंतिम चरण की ओर जाते हैं। और मैं डायसिस वर्सन अध्यक्ष होने के नाते सारी बातों में धन्यवाद ज्ञापन लाता हूँ, और मैं धन्यवाद ज्ञापन को शुरू करना चाहता हूँ। तो हम लोग आइए धन्यवाद ज्ञापन की ओर बढ़ेंगे, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इतना देर आप लोगों ने धैर्य बना रहा है, धैर्य बनाए रहेंगे कुछ समय के लिए, हम लोग हमारा इस कार्यक्रम को ऑनलाइन डबल क्लास समाप्त करेंगे। आइए हम लोग ज्ञापन की ओर। प्रभु का जीव वचन प्रकाशित वाक्य उसका एक अध्याय उसका तीसरा पद, धन्य है जो वचन को सुनते हैं, धन्य है वे जो वचन को पढ़ते हैं, तथा धन्य है वे जो परमेश्वर के जीवित वचन पर मनन करके उस पर चलते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ इस ऑनलाइन बाइबल क्लास में परमेश्वर पिता को, परमेश्वर पिता के अगुवाई पाई कि हम लोग इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हम लोग करने पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के अगुवाई और आशीष के बिना हमारा ये कार्यक्रम, ऑनलाइन कार्यक्रम बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाता, क्योंकि ऑनलाइन करने की बात है, मौसम की बात है, या फिर नेटवर्क की बात है, सारी बातें हैं, बिंदुएं हैं, परमेश्वर ने हम लोगों को किसी भी गड़बड़ी होने से बचाया है,
विभिन्न प्रकार के हरेक परेशानियों से हम लोगों को बचा के सुरक्षित रखा है। ऐसी अगुवाएं आशीष परमेश्वर पिता की होने पाए कि हम लोग इस कार्यक्रम को सफलता पूर्वक करने पा रहे हैं। परमेश्वर पिता को हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं। इसी क्रम में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्रद्धेय बिशप स्वामी, जो हमारे ऑनलाइन बाइबल क्लास के मुख्य अतिथि भी थे, साथ ही हमारे मूल विषय के वक्ता आदर्श बंजा, इस विषय को ले आकर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया हमारे इस ऑनलाइन बाइबल क्लास को। परमेश्वर के नाम में इसको उद्घाटन भी करने पाए, मैं श्रद्धेय बिशप स्वामी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसी क्रम में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रेवरेंड आरएस टोपो, राजीव सतीश टोपो, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे ऑनलाइन बाइबल क्लास के लिए दिया है और आपने प्रभु के सुंदर वचन का हमारे बीच में रखा है। हम आपका डायसिस युवा संघ के नाम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर जस्टिन मसीह, जो हमारे लिए इलाहाबाद से जुड़े थे हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में। मैं डॉक्टर जस्टिन मसीह को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्रभु के वचन को हमारे बीच में रखकर हमें आशीषित जनाया है, हमें अनुग्रहित कराया है। प्रभु का जीवित वचन संदेश बांटने के लिए मैं डॉक्टर जस्टिन मसीह को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ डायसिस युवा संघ के नाम में। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रेवरेंड अमर नवीन टोपो को, उन्होंने भी अपनी वक्ता की भूमिका निभाई है और कल हम लोग उनके साथ जुड़े थे। रेवरेंड अमर नवीन टोपो एनडीटीसी मलार के हमारे शिक्षक हैं। हम आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं सर कि आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोगों को परमेश्वर का जीत वचन आपने बांटा है और हम लोग उससे भी आशीषित होने पाए हैं। रेवरेंड अमर नवीन टोपो, आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। रेवरेंड सलीमा कुजूर, हम आपका भी धन्यवाद देते हैं, आज आपने प्रभु के संदेश को, प्रभु के वचन को हमारे बीच में आपने बांटा है, रखा है। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु के जीत वचन को सचमुच हमारे बीच में बांटा है और हम लोग आशीषित होने पाए। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मैं इसी क्रम में धन्यवाद देना चाहूंगा जो एनडीटीसी परिवार के हमारे सदस्यगण जुड़े हुए थे, रेवरेंड ज्वेल किसपोटा, उनके परिवार, नन्हे मुन्ने बच्चे, आप भी आप हमारे साथ जुड़े हुए थे आज, आपने सुंदर प्रस्तुति दी, आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी चेयरमैन गणों को जो हमारे बीच में हमारे संगति में आप लोग जुड़ने पाए थे, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ लेकिन आप लोगों को डायसिस युवा संघ के नाम पूरे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अपना बात अपनी उपस्थिति हमारे इस ऑनलाइन बाइबल क्लास में दी और इससे भी हम लोग आपको देखकर सुनकर आपका हम लोग आशीषित होने पाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जिन्होंने प्रार्थना में अपनी अगुवाई दी और हमारे कैंडिडेट नीलेश टुप्पो और नीलेश मींज, माफ कीजिएगा, उनके अगुवाई में हम लोग अंतिम प्रार्थना की और भी हमारे कैंडिडेट गण जो एनडीटीसी मलार के हमारे विद्यार्थी हैं नवीन डोमो थियोलॉजिकल कॉलेज के, हम आपका भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रेवरेंड पिलमोन तिगा, डायसिस युवा संघ कोऑर्डिनेटर महोदय, आप भी पुरोहित होकर अपनी सेवा को हमारे संघ में दे रहे हैं और हमेशा हमारे लिए डायसिस युवा संघ के लिए उपलब्ध रहते हैं और आपकी सेवकाएं हमारे साथ बनी हुई, हम आपका भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी अगुवाई हम सबों को दी है। कोऑर्डिनेटर महोदय, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कलिसिया के सभी अधिकारी गणों को, हमारे कलिसिया के अधिकारी गण भी हमारे साथ कुछ कुछ लोग जुड़े हुए थे अन्य अन्य माध्यमों से, यूट्यूब और जूम आईडी के माध्यम से जुड़े हुए थे, मैं उनका भी नाम नहीं ले रहा हूँ। हम आपको भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, हमारे कलिसिया के सभी अधिकारी गण, डायसिस युवा संघ के नाम आपका हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मैं महिला संघ के हमारे अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं, महिला संघ के सभी सदस्यों को, डायसिस महिला संघ को, आपको भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने भी हमसे बातचीत करने के द्वारा, अपनी अपनी विभिन्न भूमिकाओं को देने के द्वारा हमें गाइड किया है, अपनी भूमिका आपने निभाया इस बाइबल क्लास को संचालन करने में, अपनी अगुवाई और सहयोग दिया है। डायसिस महिला संघ होकर के आप लोग भी जुड़े हुए थे, हम आपका भी डायसिस युवा संघ के नाम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे माननीय सलाहकार गण, जो हमारे डायसिस युवा संघ को चलाने में सलाह की आवश्यकता होती है, हमारे सलाहकार गण है हमारे साथ। मैं नाम लेना चाहूंगा रेवरेंड अगस्तो सेक्का,
मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ सर कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक बातों में अपनी सलाह को आपने दिया है और हमें प्रोत्साहित किया, अगुवाई दिया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। श्री जय झंडा लकड़ा, श्री अनुप नूतन गिद्दी, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने भी अपनी सलाह को हमें दिया है और विभिन्न बातों में हम लोगों को अगुवाई करने के लिए दिशा निर्देश देकर हमें उत्साहित किया है, हम आपको भी धन्यवाद देते हैं। इसी क्रम में मैं एक नाम और लेना चाहूंगा, श्री राजू किस्पोटा जी हैं, हमारे बड़े भैया हैं, हम आपका भी धन्यवाद देते हैं। बीच बीच में प्रतिदिन लगभग हम लोगों को कुछ ना कुछ सुझाव आप देते थे, आपका भी धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसा बड़े भाई होने का हम लोगों को आपने फर्ज निभाया और हमें विभिन्न तरीकों से हमें उत्साहित किया, हम आपका तहे दिल से डायसिस सेवा संघ के नाम धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे डायसिस सेवा संघ के अधिकारी गणों को, विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ कि डायसिस युवा संघ के जितने हमारा अधिकारी गण है, मैं डायसिस युवा संघ अध्यक्ष होकर आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे जितने भी पदाधिकारी गण है, सभी अधिकारी गण, संडे स्कूल, हमारे सचिव उपाध्यक्ष महोदया, सचिव महोदया, साथ ही हमारे संडे स्कूल के अधिकारी गण, हमारे क्षेत्रीय सचिव गण, हम आपको मैं डायसिस युवा संघ के नाम, डायसिस युवा संघ अध्यक्ष होकर के मैं आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारा विभिन्न तरीकों में हमारा बैठक होता था, समीक्षा हम लोग करते थे प्रतिदिन और हम लोग हर तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, टीम वर्क नजर आने पाया है। मैं डायसिस युवा संघ अध्यक्ष होकर आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उपासना की अगुवाई करने के लिए, मन संचालन करने के लिए आप सबों को डायसिस युवा संघ की ओर से मैं बहुत बहुत सभी अधिकारी गणों को धन्यवाद देता हूँ। इसी क्रम में मैं एक नाम लेना चाहूंगा, श्री विल्सन आनंद कुजूर को, जो हम लोग देखने पा रहे हैं होस्ट की भूमिका में है और टेक्निकल माध्यम है और हम लोग किस तरह से वो टेक्निकल हम लोगों को हैंडल कर रहे हैं और वो इस मामले में काफी निपुण है और अपनी भूमिका को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए हैं। मैं डायसिस युवा संघ की ओर से श्री विल्सन आनंद कुजूर, क्षेत्रीय सचिव रांची ग्रीनरी, मैं आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ और आपके सहयोगियों को भी मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। डायसिस युवा संघ के नाम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु आपके जीवन में ढेर सारी आशीष को बना के रखे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी पेरिश के अधिकारी गणों को, सभी पेरिश के अधिकारी गण जो आपने अपनी अगुवाई को दिया इस तरह से कि सभी लोग हम लोग अपने अधिक संख्या में जुड़ने पाए। अभी हम लोग को सूचना प्राप्त हो रहा था, विगत कल में हम लोग 36 पेरिश लगभग जुड़े हुए थे यूट्यूब और जूम के माध्यम से, लगभग 36 पेरिश, आज भी लगभग 36 और 40 के बीच में हम लोग यहाँ पे देखने पा रहे हैं कि हम लोग जुड़ने पाए थे लगभग इतने पेरिश। तो मैं सभी पेरिश के अधिकारी गणों को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने लीडर होने की भूमिका को निभाया है और अपनी अगुवाई को अपने पेरिश के युवा युवतियों को, भाई बहनों को, माता पिता के बीच में अपने अगुवाई को दिया है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ डायसिस युवा संघ के नाम। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे जो आदर्श भजन आप लोगों ने पेरिश होकर प्रस्तुत किया है, मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूँ। मैं नाम लेना चाहूंगा रांची हेडक्वार्टर पेरिश, आपने आदर्श भजन प्रस्तुत किया, आपके आदर्श भजन प्रस्तुत करने के लिए मैं तहे दिल से डायसिस युवा संघ के नाम धन्यवाद देता हूँ। रानी कटगा पेरिश, कोचेडेगा पेरिश, राजगांगपुर पेरिश, न्यू डेली पेरिश, अरसे पेरिश, मांडल पेरिश, कुलपुरी, खुंटू टली तथा रांची पेरिश, हरमु मंडली, मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जो एक भाई हमारे साथ आखिरी में जुड़ने पाए थे दिल्ली पेरिश से, मैं आपका भी अपनी प्रस्तुति देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। रानी खड़गा को विशेष रूप से सांस्कृतिक नाच पेश करने के लिए, जो हमारा आकर्षण का केंद्र रहा, आपकी प्रस्तुति के लिए हम दर्शी सिलासा की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अंत के समय में कि जो हमारे अन्य कलिसियाओं से जो लोग जुड़े थे, अन्य जो लोग थे, हम आपका भी धन्यवाद देते हैं। NWGL चर्च कलिसिया, डायसिस युवा संघ होकर के आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने भी परमेश्वर के वचन को सुना है और मैं आशा करता हूँ आप लोग भी आशीषित और लाभान्वित होने पाए हैं। आप सबों को धन्यवाद। विशेष रूप से मैं अंत में आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जितने भी हम युवा भाई बहन, जितने भी हम माता पिता और छोटे बच्चे हम लोग जुड़ने पाए थे, आप सबों को मैं तहे दिल से डायसिस युवा संघ के नाम धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप ना होते ये कार्यक्रम ना होता, ये पूरी सभा व्यर्थ होती और हम लोग
इतने संख्या में जुड़ने पाए, अधिक से अधिक संख्या में, हम आपका तहे दिल से डायसी सेवा संघ के नाम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सबों के जीवन में अधिक से अधिक आशीष को बना के रखे। सचमुच परमेश्वर का जीवित वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमी 10:17 में प्रभु का वचन कहता है, मैं सोचता हूँ उम्मीद करता हूँ हम लोग जितने लोग ऑनलाइन जुड़े थे आप सबों का विश्वास प्रभु में और भी मजबूत होने पाया होगा, आपके जीवन से गवाहियां निकलने पाएंगी। हम आपका सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने के लिए और अपने जीवन आशीष को पाने के लिए इस ऑनलाइन के माध्यम से। और पूरे सफलता पूर्वक हम लोग इस कार्यक्रम को 3 दिवसीय हमारा जो बाइबल क्लास था इसको हम लोग ऑनलाइन बाइबल क्लास को हम लोग सफलता पूर्वक करने पाए हैं। आप सबों का मैं फिर से जितने हम लोग जूम के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से हम लोग जुड़ने पाए थे आप सबों का डायसी सेवा संघ के नाम हाथ जोड़कर मैं आप सबों को यीशु सहाय कहता हूँ। और हमारे डायसी सेवा संघ की ओर से मैं सब लोगों को के जीवन में ढेर सारी आशीष और इस बात की कामना करता हूँ तो हर एक के जीवन में आशीष को बना के रखे। अब हम लोग अंतिम में आते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिसका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप लोग जितने लोग भी अपनी सेवकाई को देने पाए हैं, अपनी अगुवाई को देने पाए, हो सकता है मेरे मुझसे भूल चूक हो रहा होगा, मैं क्षमा के साथ आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए अपनी भूमिका को निभाया है। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अंत में फिर से परमेश्वर पिता को, हमारा जीवित उद्धारकर्ता मसीह यीशु है, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने आशीष को दिया। परमेश्वर पिता हम आपका लाख लाख शुक्रगुजार हैं और आपकी महिमा हमारे जीवन से होती रहे, अपनी महिमा को हमारे जीवन से आप लेते रहिए। इन बातों की दुआ के साथ, प्रार्थना के साथ मैं ये धन्यवाद ज्ञापन को यही समाप्त करता हूँ और ये धन्यवाद ज्ञापन प्रभु को समर्पित होने पाए और प्रभु की आशीष और महिमा हम सबों के जीवन में होती रहे। इन बातों के साथ मैं अपना धन्यवाद ज्ञापन समाप्त करता हूँ। सबों को बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। तो आखिरी में हम लोग जाएंगे, आखिरी में जाएंगे उससे पूर्व एक सूचना है हमारे रेवरेंड। हम लोग आखिरी में जाएंगे रेवरेंड फिल्मोंती का कोऑर्डिनेटर महोदय हमारे जो डायसी सेवा संघ उनके अगुवाई में अंतिम प्रार्थना की जाएगी। उसी क्रम में हमारे बीएलसी बेंगलोर से काफी दूर से हमारे राज्य के दूसरे क्षेत्र से हम लोग हमारे कलिशिया का वो भी एक अंग है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बीएलसी बेंगलोर की ओर से गाना प्रस्तुत करना चाहते हैं। इन गाने के साथ हम लोग अगुवाई में उन्हीं के द्वारा उनको धन्यवाद दिया जाएगा और हम उनके अगुवाई में प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना करेंगे और हम लोग फिर पूर्ण रूप से इस कार्यक्रम को हम लोग समाप्त करेंगे। बीएलसी बेंगलोर अगर उनको अनम्यूट कर दिया जाए और उनके अगुवाई में हम लोग गाना गाएंगे आखिरी में, उसके बाद हम लोग अंतिम प्रार्थना रेवरेंड फिल्मोन तिग्गा। धन्यवाद, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सबों को यीशु सहाय। और बहुत ही सुंदर सेशन आप लोगों ने अरेंज किया है इस समय में, तो बहुत कम समय के लिए मैं ज्वाइन किया लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो मैं गाना गाना चाहता हूँ और विशेष करके इस लॉकडाउन के समय में ये गाना सबों के लिए है। डरना नहीं है हम लोग को, परमेश्वर पिता हम लोगों के साथ है, तो उसी के लिए हम लोग एक गाना गाएंगे। सादरी में गीत रहेगा, सबको जानते होंगे, जाना पहचाना सॉन्ग है डरबे ना मनवा। आशा करता हूँ मेरा साउंड आ रहा होगा आप लोगों को। डरबे ना मनवा, डरबे ना मनवा यीशु तोर मजे आहे। डरबे ना मनवा, डरबे ना मनवा यीशु तोर मजे आहे। रखवाला उहे के सहारा उहे के, रखवाला उहे के सहारा उहे के। डरबे ना मनवा, डरबे ना मनवा यीशु तोर मज
तेरे जाजावे वचन के ताए फैलावे डरबे ना मनवा डरबे ना मनवा ईशु डरम जी डरबे ना मनवा डरबे ना मनवा ईशु धन्यवाद समय देने के लिए। तो एक बार फिर से क्या हेलो हेलो कोऑर्डिनेटर सर थोड़ा सा माफी चाहेंगे एक प्रेयर रिक्वेस्ट है गोवा से लोड्रस डिकोस्टा का लोड्रस डिकोस्टा उनके बेटे सिल्वेस्टर के बीमार हैं तो वो गोवा से हम लोग के साथ जुड़ी हुई हैं तो वो चाहती हैं कि हम लोग प्रार्थना में उन्हें याद करेंगे उनके बेटे सिल्वेस्टर के लिए लोड्रस डिकोस्टा गोवा से धन्यवाद। हेलो विल्सन भाई। हाँ सर। हेलो ये क्या बीमारी है उनका? हाँ वैसा कुछ मैसेज किए हैं तो आप उनके उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना में सहयोग करेंगे। सिल्वेस्टर। हाँ बहुत धन्यवाद सर। तो एक बार फिर कर पूरे डायसिशन के नाम पुनः आप सबों का बहुत 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 हम धन्यवादी हैं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया है धैर्य दिया है कि हम 3 दिन के कार्यक्रम को आप लोग के संग में होकर हम लोग करने पाए हैं। परमेश्वर को धन्यवाद। और साथ में ही जो BLC से हमारे बीच में जो भाई बहुत ही सुंदर गाना को प्रस्तुत किए जिन्होंने गाना के द्वारा ये बतलाना चाहे कि ऐसे कोरोना के समय या तो विपरीत परिस्थिति में हमको डरना नहीं है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। और निश्चय वो भाई बतला रहे थे कि मैं थोड़े समय के लिए जुड़ा लेकिन ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा। पुनः उस भाई को दिल से गाना प्रस्तुति के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर उनके योग्यताओं को ऐसे ही बढ़ाएं और उनके गीतों के द्वारा लोगों को आशीषित करें। इन्हीं के साथ में मेरे प्रियो मैं एक बात को मैं कहना चाहूंगा आप लोगों के बीच में हम सबों ने धन्यवाद ज्ञापन को हम लोगों ने सुना है। हमारे डेसी युवा संघ के अध्यक्ष ने बहुत ही सुंदर तरीके से हर एक को उन्होंने धन्यवाद दिया है लेकिन हमारे बीच में जिस कार्यक्रम को जो मार्गदर्शन दिए हमारे अगुवाई किए हमारे बीच में बहुत ही उत्साह के साथ में बहुत ही उमंग के साथ में जोश के साथ में जिन्होंने अगुवाई किया है वो है हमारे डेसी युवा संघ के अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश तिर्की जो इस समय धन्यवाद दिए। हमारे उस अध्यक्ष महोदय को भी पूरे डेसी युवा संघ के नाम बहुत बहुत धन्यवाद 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 सर कि सचमुच में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है। हम आपका व्यस्तता को जानते हैं कि आप काम में बहुत व्यस्त रहते हैं लेकिन तो भी जब सेवा की बात आती है डेसी युवा संघ की बात आती है आप कभी भी ना नहीं करते हैं आप इनकार नहीं करते हैं लेकिन अपना कर्तव्यों को जिम्मेदारी को आप बखूबी आप उसे पूरा करते हैं। और मेरा विश्वास है सर कि सचमुच में मसीह यीशु में आपका जो परिश्रम है वो व्यर्थ नहीं है। एक बार फिर के पूरे डेसी युवा संघ की ओर से हमारे अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद। साथ में मेरे प्रो जाते जाते मैं याद दिलाना चाहूंगा हमारे 3 दिन के खिलाफ को सभोपदेशक 12 अध्याय और उसका 13 पद वचन कहता है कि सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है कि हम परमेश्वर का भय माने उसके आज्ञाओं का पालन करें कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हाँ मेरे प्रो सब कुछ आपको सुना दिया गया है आपको सब कुछ आपको बतला दिया गया है और अंत में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें परमेश्वर का हम भय माने। बिशप स्वामी ने कहा कि हम जवानों को आज लोगों के लिए एग्जाम्पल बनना है उदाहरण बनना है अपने जिंदगी से अपने चाल चलन से अपने कामों से। हाँ मेरे प्रियो और इसी तरह से मेरे प्रियो आज हमको उदाहरण बनने की बात है। साथ में हमारे रेवरेंड राजीव सतीश को कौन है उन्होंने कहा कि क्लेश हाँ मेरे प्रियो जो क्लेश है वो 2 कारण से होता है वो एक है मानवीय कारण है और ईश्वरीय कारण है।
जो मानवीय कारण है वो विनाश की ओर ले जाता है, नरक की ओर ले जाता है। लेकिन मेरे प्रो, यदि आपके जीवन में ईश्वरीय पक्ष की ओर से अगर क्लेश होता है, दुख होता है, तकलीफ आता है मेरे प्रियो, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ईश्वरीय पक्ष की ओर से जो क्लेश होता है आपके जीवन में, वो आपके जीवन में नयापन फुलाता है, आपके जीवन में परिवर्तन फुलाता है, आपको जीवन की ओर ले जाता है। इसी के साथ में मेरे प्रियो, हमारे ब्रदर जस्टिन मसीह को भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बतलाया कि आज हम लोग फलवंत क्यों नहीं हो पा रहे। मेरे प्यो, परमेश्वर के अनुग्रह को हम लोग हल्के में ना ले। मेरे प्यो, परमेश्वर ने आपके लिए दूसरा मौका दिया है, प्रेमी परमेश्वर होकर इसे काट डाल, लेकिन परमेश्वर ने आपको नाश नहीं किया है। मेरे प्यो, इस कोरोना के समय में पूरे संसार में लाखों लाख मर गए, लेकिन उनमें आपका भी नाम हो सकता था, हमारा भी नाम हो सकता था मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने आपको दूसरा मौका दिया है, और इसलिए दूसरे मौका को हम लोग व्यर्थ में जाने ना दे। मेरे प्रियो, तीन बातों को उन्होंने कहा था, रिपेंट, रिन्यूअल और रिवाइवल। हमें प्रियो पापों को मान लेना है और उसे छोड़ देना है और अपने जीवन में आत्मिक जागृति लाना है। साथ में मेरे प्रियो, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, हमारे रेवरेंड अमन नवीन टोपो ने बहुत अच्छा कहा, आज हम लोग गलती इसलिए करते हैं, आज इसलिए भटकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हम लोग अपने आप को क्या बोलते हैं मालूम, इट इज माय लाइफ, इट इज माय चॉइस, लेकिन आप और हम भूल जाते हैं मेरे प्रियो, इट्स गॉड्स लाइफ, ये हमारा लाइफ नहीं है मेरे प्रियो, हमारा चुनाव नहीं, लेकिन ये जीवन परमेश्वर का चुनाव है, और जब हम इस बात को स्मरण करते करेंगे मेरे प्रियो, हम भटकने से हम बचेंगे। तो मेरे प्रियो, आज बहुत ही हो सकता है कि हम प्रार्थना में जीवन को व्यतीत करें, हम मेरे प्रियो वचन का अध्ययन करें, ईश्वरीय प्रेम को पहचाने, परमेश्वर के भय में रखें, हम पाप और बुराई से बचे रहेंगे। और इसी के साथ में मेरे प्रियो, विपरीत परिस्थिति में हमको समझौता भरा जीवन को जीना नहीं है, हम मेरे प्रियो समझौता भरा जीवन को जीना नहीं है। दानियल ने राजा के सामने में झुक सकता था, लेकिन राजा के सामने झुका नहीं। आज हम लोग अपने दोस्तों के साथ में झुक जाते हैं, आज अपने समाज में झुक जाते हैं, मेरे प्रो अपने सिद्धांत को खोना नहीं है जो परमेश्वर के हम लोग केले हैं। जब ऐसा करेंगे मेरे प्रो, सचमुच में ये जो बाइबल क्लास है आपके जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए, आप इसका कारण होगा। मेरे प्रो, जाते जाते एक शायरी बोल के मैं प्रार्थना की ओर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। रिश्ता यीशु से कुछ ऐसा निभा दो, जितना समय मिले प्रार्थना में लगा दो। रिश्ता यीशु से ऐसा कुछ निभा दो, जितना समय मिले प्रार्थना में लगा दो। रिश्ता यीशु से ऐसा कुछ निभा दो, जितना समय मिले प्रार्थना में लगा दो। असर ऐसा छोड़ दो इस दुनिया पे कि हर एक कोई कहे हमें भी तुम्हारे यीशु से मिला दो। तो हाँ मेरे प्रियो, इस बाइबल क्लास में आज हमको वो चीज को पकड़ना है, ऐसा असर को छोड़ देना है मेरे प्रियो, कि लोग कहना शुरू करें कि हम लोग किसके बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर इन हर एक बातों में बहुत आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें, आइए इस सारी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें और अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम लोग प्रार्थना करें। मसीह में प्रभु, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, हम याद रखें कि कल हम लोग अवश्य से अवश्य हम लोग 8 बजे युवा दिवस की आराधना में जुड़े, साथ में आज जो भी दान हम लोग उगाही किए हैं उसे अपने मंडली स्तर से पेरिस स्तर में भेजने का प्रयास करें, जिससे कि वो कलीसिया के स्तर तक पहुंच सके। और कल का भी जो दान देना है मेरे प्रियो, हम लोग भी जो युवा दिवस के नाम होता है अवश्य तैयारी के साथ आए। धन्यवाद, आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, भजन संहिता 50:15, कि संकट के दिन में मुझे पुकार और मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। भजन संहिता 50:15, कि परमेश्वर की आंखें हमारी ओर लगी रहती है और उसके कान हमारी प्रार्थना की ओर लगी रहती है। आमीन। सर्वशक्तिमान स्वर्ग और पृथ्वी के रचनेहारा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपके महान दया के लिए, आपके महान अनुग्रह के लिए प्रभु, के सचमुच में तो जगत के अंत तक रहने वाला परमेश्वर है। हाँ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसे विपरीत परिस्थिति में, आपने लॉकडाउन में भी महान परमेश्वर अपनी कृपा को, अपने अनुग्रह को हम पर से नहीं हटाया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर कि आपने ऐसे परिस्थिति में भी अपने आराधना करने के लिए, अपने महिमा करने के लिए, अपनी संगति करने के लिए आपने यहोवा इरे होकर आपने व्यवस्था किया है पिता परमेश्वर, कि हम ऑनलाइन गिरजा आराधना के द्वारा, ऑनलाइन समाज के द्वारा, ऑनलाइन बाइबल क्लास के द्वारा हम एक दूसरे के साथ में जुड़ने पाते हैं और आपकी स्तुति और आपकी महिमा करने पाते हैं। इसी क्रम में हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने पूरे डायसिस युवा संघ के साथ में रहा है, डायसिस युवा संघ को आपने परमेश्वर आत्मा की अगुवाई दिया है, वचन की अगुवाई दिया है महान परमेश्वर, के पूरे कलीसिया के लिए
हम आम परमेश्वर वो डायसी शिवा संघ के नाम बाइबल क्लास का आयोजन करने पाते हैं, जिसके द्वारा महान परमेश्वर आपके वचन का प्रकाशन किया जा सके। हाँ परमेश्वर, जिसके द्वारा आपका वचन परमेश्वर बोया जा सके और एक एक जन का जीवन बदल सके, एक एक जन परमेश्वर अपने पापों से आपकी ओर फिर सके, एक एक जन महान परमेश्वर आपको ग्रहण कर सके और एक एक का जीवन आशीषित हो सके। और आज महान परमेश्वर उसी उद्देश्य के साथ में हाँ परमेश्वर आज ये इन विभिन्न विषयों पर हाँ परमेश्वर पिता हम विभिन्न वक्ताओं के द्वारा हम मनन और चिंतन हम करने पाए हैं। ऐसा होने दे महान परमेश्वर पिता कि आज जो भी वचन आपका बोया गया है, जो भी वचन परोसा गया है खुदावन, वो परमेश्वर एक एक हृदय में वो फलवंत होने पाए, एक एक हृदय में वो काम करने पाए महान परमेश्वर, ताकि सचमुच में एक एक का सोच बदलने पाए, एक एक का चाल चलन बदलने पाए, एक एक का बोली चाली बदलने पाए परमेश्वर पिता, और एक एक जन पाप और बुराई से अलग रखते हुए हाँ परमेश्वर आपके लिए ग्रहण योग्य जीवन को जी सके, ताकि हमारा जवानी हमारा जीवन हाँ परमेश्वर वो तुच्छ ना जाना जाए, लेकिन जो जीवन आपने दिया है, जो जवानी दिया है महान परमेश्वर पिता, वो आदर्श होने पाए, लोगों के लिए नमूना होने पाए। आपने कहा है तुम्हारे भले कामों को देखकर उस परमेश्वर की जो स्वर्ग में है महिमा करने पाएंगे। हाँ मेरे खुदावन प्रार्थना करते हैं आज उन वचन में बहुत ताकत वासिस दे, ताकि एक एक जन महान परमेश्वर आपके लिए सिद्ध और तैयार होने पाए परमेश्वर पिता, और अपने ही अभिलाषा में नहीं लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार हाँ परमेश्वर पिता सक्रिय मार्ग में होकर जीवन को व्यतीत करने पाए। परमेश्वर एक एक का मार्ग सत्य और जीवन होकर हाँ परमेश्वर जीवन का ज्योति होकर तो उनकी सहायता कर, उनकी अगुवाई कर महान परमेश्वर, ताकि एक एक जन ना तो दाएं ना तो बाएं मुड़ने पाए, लेकिन महान परमेश्वर वो सीधे चलने पाए और स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करते हुए आपके यीशु नाम की गवाही और यीशु नाम की महिमा देने पाएंगे। हाँ परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर इस ऑनलाइन बाइबल क्लास में जुड़े हैं, एक एक को तो परमेश्वर तू सामर्थ्य भर दे, एक एक को अपने आशीष से भर दे, एक एक को अपने अनुग्रह से भर दे महान परमेश्वर पिता, ताकि जब वो आपके नाम से जुड़ते हैं इनका जीवन धन्य होने पाए, उनका परिवार आशीषित होने पाए। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं खुदावन आज हमारे कलीसिया के तमाम जवान जीवितों के लिए, हम महान परमेश्वर एक एक जवान जीवितों के शैतान के सामर्थ्य छुड़ा ले, एक एक को अंधकार के सामर्थ्य छुड़ा ले, एक एक को पाप और बुराई सामर्थ्य छुड़ा ले महान परमेश्वर, और एक को शुद्ध और पवित्र कर, और एक को नया मन दे, नया हृदय दे, नया जीवन दे प्रभु, ताकि एक एक जन आपके लिए भाता हुआ जीवन को जीने पाए और आप ही के नाम को धन्यवाद करने पाएंगे। उन तमाम जवान जीतों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नौकरी करते हैं, उनके हर एक नौकरी में बहुत आशीष दे, उनके हर एक कार्य में बहुत आशीष प्रदान कर महान परमेश्वर। जो नौकरी की तलाश में है तो यहोवा इरे होकर तो उनके लिए आशीष के द्वार को खोल, तो यहोवा इरे होकर व्यवस्था कर, ताकि आने वाले दिनों में अच्छी नौकरी अच्छी सफलता को प्राप्त कर आपके नाम को धन्यवाद और आप ही के नाम को महिमा देने पाएंगे। हर एक पढ़ने लिखने हरे जवान जीतों को पढ़ने लिखने में आशीष दे, ज्ञान और बुद्धि से भर दे, ताकि अच्छी रीति से अपने पढ़ाई को पूरी कर आप ही के नाम को ही धन्य कहने पाएंगे। पिता परमेश्वर, यदि कोई समस्या की हालत में है, यदि कोई बीमारी की हालत में है, कमजोरी की हालत में, प्रभु एक को तो छुड़ा ले और एक को तो नया जीवन प्रदान कर। मेरे खुदा मन इस रीति से प्रार्थना करते हैं, एक बार फिर से पूरे डायसिस युवा संघ को आपके हाथ में सौंपते हैं। अब तक आपने पूरे डायसिस युवा संघ को संभाला है, हाँ परमेश्वर आने वाले दिनों में भी तू डायसिस युवा संघ को संभाल, आत्मिक सामर्थ्य भर दे, आत्मिक उन्माद से भर दे, ताकि परमेश्वर भी और भी उत्साह के साथ बढ़ते हुए आप ही की सेवा के कार्य को, आपके उद्धार के कार्य को वो अधिकार से पूरा करने पाए। डायसिस युवा संघ के एक एक अधिकारियों को पुत्र आत्मा का दान दे, ताकि उस आत्मा से भर कर प्रभु वो आपके कार्य को पूरे शक्ति भर पूरा करने पाएंगे। इसी रीति से हमारे कलीसिया के एक एक पेरिशों को संभाल, एक एक पेरिश युवा संघ को तू संभाल परमेश्वर पिता, संडे स्कूल को संभाल और आप ही आशीष प्रदान कर, पूरे मंडली पेरिश के साथ होने प्रभु, और एक एक को तू भला चंगा का जीवन जीने में तू सहायता और आप ही मदद कर। मेरे खुदावन इसी समय हम प्रार्थना करते हैं, हाँ महान परमेश्वर गोवा से, हाँ उस हाँ परमेश्वर डिकोस्टा परिवार के लिए, महान परमेश्वर नीचे उनके दुखों को जानता है, उनके हर एक परेशानी को जानता है खुदावन, उनके रोना को तू जानता है श्यामति परमेश्वर। आप कहा है कि संकट के दिन में मुझे पुकार और मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे खुदावन, हम नहीं जानते हैं कि भाई सिल्वेस्टर के शरीर में क्या बीमारी है, क्या रोग है, क्या समस्या है, लेकिन हम इस बात को जानते हैं प्रभु कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तू गिरे वो को उठाता है, झुके वो को सीधा करता है, बलहीन को बल और सामर्थ्य
उनको सामर्थ्य देता है। मेरे खुदावन आज भाई सिल्वेस्टर को आपके पोत्र हाथ में सौंपते हैं, इनके जीवन पर तू तरस खा, इनके जीवन पर अनुग्रह कर मेरे राजा, और उनके जीवन के सारे पापों को क्षमा कर, और यीशु के नाम से महान परमेश्वर तू भाई को छू ले और आपसे चंगाई का दान दे, उस लहू में छुपा दे महान परमेश्वर जिसमें चंगाई है, जिसमें छुटकारा है, जिसमें आशीष है, जिसमें नया जीवन है। हाँ महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं तू आप ही डॉक्टर को डॉक्टर और वैद्य को वैद्य होकर तो छू ले महान परमेश्वर, और भाई को तू उठा के खड़ा कर, उनके बिछावन से तू खड़ा कर, उनके हाथ और पाँव में नया बल दे महान परमेश्वर। हाँ परमेश्वर आपने कहा है जो कुछ मेरे नाम से पृथ्वी पर बांधो वो स्वर्ग पर बांधा जाएगा, जो कुछ मेरे नाम से पृथ्वी पर खोलो वो स्वर्ग पर खोला जाएगा। आज उसी अधिकार से प्रभु जी हाँ उस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर हर रेख बीमारी की सामर्थ को हम खारिज करते हैं, और परमेश्वर भाई सिल्वेस्टर के जीवन में चंगाई की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा को करते हैं प्रभु कि यीशु के नाम में तो परमेश्वर नया जीवन दे, छुटकारा का जीवन दे प्रभु, ताकि वो पूरी रीति से स्वस्थ स्वस्थ होने पाए और पूरे परिवार आपके अद्भुत कार्यों को देखने पाए, आपके छुटकारा को देखने पाए, और आप ही के नाम को धन्यवाद और आप ही के नाम को महिमा देने पाएंगे। जो दवा किया जाता है, जो इलाज किया जाता है, उनके हर एक दवा में इलाज में तो बहुत अच्छा आशीष दे, उनके हर एक कमी घटी को यीशु के नाम से पूरा कर। इसी रीति से महान परमेश्वर और भी यदि कितने ऐसे परिवार है जो ऐसे ही विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे, दुख में निराशा में है, तो मन में परमेश्वर एक को छुड़ा ले और एक को चंगाई का दान प्रदान कर। मेरे खुदावन इस समय प्रार्थना करते हैं आपकी सेवा के निमित्त, आपके महिमा के लिए, आपके दिव्य दान में से हम सभी ने महान परमेश्वर मुट्ठी खोलकर बाइबल क्लास के नाम हम सिरनी दान अर्पण किए हैं। स्वर्गीय पिता इन्हें तू ग्रहण कर, इन्हें शुद्ध और पवित्र कर, आशीषित कर, ताकि इस दान के द्वारा आपकी सेवा, आपकी महिमा और आप ही के वचन का प्रचार होने पाए। हर एक देने वाले हाथों को आशीष दे, उनके खर्चों को, उनके भंडारों को तो आप ही भरा पूरा रख। एक बार फिर से महान परमेश्वर जैसा अब तक के जीवन में हमें को संभाला है, आने वाले दिनों में संभाल प्रभु, ताकि आप ही की छत्र छाया में हम सुरक्षित जीवन जीते हुए आपकी महिमा और आपकी स्तुति करने पाएंगे। सुबह से लेकर इस समय तक संभाला है, आजादी के समय को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, हमारे साथ तो हो लेना, ताकि आज के पूरे दिन को आपकी महिमा में हम व्यतीत करने पाएंगे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, और अब तक के सारे पापों से क्षमा चाहते हैं प्रभु, अपने लहू से हमारे सारे पापों को क्षमा कर। धन्यवाद की प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, जैसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पृथ्वी पर पूरी होवे, हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, क्रांत बुराई से बचा, क्योंकि राज्य प्रक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। विश्वासी और दिनमर होकर प्रिय परमेश्वर का आशीर्वाद वचन ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय। एक बार फिर कर आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमेश्वर आप सबों को बाइबल क्लास की आशीष, आपको और आपके परिवार को अधिकाई से आशीष देते हुए आपके हर एक मनोरथों को अधिकाई से पूरा करे। आमीन। आगे के कार्यक्रम के लिए, आगे के बातों के लिए मैं भाई विल्सन को या तो अध्यक्ष महोदय को मैं सौंपता हूँ कि वे अगुवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं महोदय अंतिम प्रार्थना के अगुवाई के लिए, फिर अंत में आप लोगों को उत्साहित करने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हमें मोटिवेट करने के लिए आपका मैं डायसिस युवा संघ के नाम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं डायसिस युवा संघ अध्यक्ष होकर के ऑनलाइन बाइबल क्लास हमारा दिनांक 4-5-6 जून 2020 होने पाया है, इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से समाप्त करने की और अंत करने की घोषणा करता हूँ। प्रभु आप सबों का आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद।